अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दुनिया बोल है ईद स्पेशल शो। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और हमारी ईद के रंग उन हीरोज़ के संग जिनकी काविशों ने पाकिस्तानी कौम के लिए आसानियां भी पैदा की हैं और उन्हें मुस्कुराने का मौका भी दिया है। क्योंकि मीठी ईद का मौका है, इसलिए आज हम अपने उन हीरोज़ के साथ मौजूद हैं जो सही मानों में चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का फ़न जानते हैं। उसकी माहिर जनाब हमारी प्यारी आलिया सारिम भाभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब उनके साथ उनकी साहबजादी मौजूद हैं और वेरी फर्स्ट टाइम आप इनको किसी टीवी चैनल पर देख रहे हैं। कुरतुलैन सैयदा बर्नी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मामा के साथ तशरीफ लाई हैं। तो जनाब इनके फलाही काम है, किसी से ढके छुपे नहीं है। इनके साथ हर दिल अजीज़ मीठी सुरीली आवाज़ का जादू जगाने के लिए एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। मैं तब आपको बताऊँगी वो कौन है, ये सरप्राइज़ है। और तीसरे जो गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी, क्या खूब इकबाल ने कहा है। तो जो बात इकबाल ने समझाने की कोशिश की उसको शायद हम बार बार सोचते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी इकबाल की इसी बात और इसकी हकीकत पर मबनी है। इकबाल की इसी ज़रखेज़ी की निशानदही करती है कि पाकिस्तान के एक ऐसे नायाब हीरे जो अपने मुल्क और आसपास की चीज़ों पर इतना यकीन रखते हैं कि वो हर कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर उसका रुख कामयाबी की तरफ मोड़ देते हैं, और कामयाबी अपने लिए नहीं बल्कि पूरी अपनी कौम के लिए। आज ईद के स्पेशल शो में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर फरहान ईसा और उनकी वाइफ से, डॉक्टर नादिया से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके असासे बाहर हैं, इनकी आधी फैमिली बाहर है, मेडिकल के शोबे से इनका ताल्लुक है, अवामी खिदमत में पेश हैं, इनकलाब बरपा किया हुआ जनाब। और ये उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जो अपर एलीट क्लास होने के बावजूद आउट ऑफ कंट्री नहीं रहते, यहाँ रहते हैं, इनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और जितना काम ये कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं। आप बाहर देखते हैं जगह जगह ईसा लैब्स मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं वेलफेयर के जो ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आज दोनों आप इतने अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और भाभी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, डॉक्टर नादिया को मैंने पहली बार आपके साथ देखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपसे शुरू करती हूँ, चलें, मुझे ये बताएगा ईद कैसी गुजर रही है? ईद वैसे ही उसी तरह मसरूफियत का, शेल्टर, घर, सबका एक बैलेंस, और चांद रात तक तो तैयारियाँ वहाँ चल रही होती हैं शेल्टर होम में। खुशी होती है जब वहाँ की बच्चियाँ तैयार होती हैं, क्योंकि मेरे साथ ये जो साहबजादी बैठी हैं इनको तो अल्लाह ताला ने मेरी कोख में दिया और मैंने इसको जन्म दिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर बच्ची मेरी बच्ची है और वो मेरे लिए इतनी ही कीमती है जितनी मेरी ये बेटी सैयदा मेरे लिए कीमती है। क्या बात है आपकी, क्या बात है। लेकिन मुझे कभी कभी इतनी हैरत होती है आलिया साहिबा कि आप किस तरह मैनेज करती हैं। मतलब बतौर खातून मैं आपको देखती हूँ डिफरेंट टीवी चैनल्स पर बैठ कर आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इतनी अच्छी डिबेट भी कर रही होती हैं, फिर आप घर भी मैनेज करती हैं, शेल्टर होम भी मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, और जाहिर है फिर इस तरह के सोशल एक्टिविटीज में भी आपको शिरकत करना पड़ती है। तो ऐसे में बड़ा एक खातून के लिए ना जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। औरत को ना अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो मैनेज कर सकती है। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूंगी जो मुझे फख्र है, मैं खुश हूँ कि मैं आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे यहाँ बहुत हद तक ख़त्म होता चला जा रहा है, बल्कि कई दफ़ा उसको इस्लामिक एंगल से भी कह रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये इसको हम बेशक कम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब मैं अपनी खाला अपनी सास के साथ रही, मैंने अपनी माँ को गुस्ल दिया, मैंने खाला को गुस्ल दिया, माँ की खिदमत का मौका मिला, अपनी सास की खिदमत का मौका मिला, अब मैं बहुत मुतमईन हूँ कि जब कभी मेरा वक्त आएगा, बुढ़ापा सबको आना है, ज़रूरत पड़ सकती है, मैं मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला शेल्टर में भी माँओं को मैंने संभाला तो अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त मेरा भी करेगा। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि औरत की ताकत इतनी है कि वो है तो दुनिया चल रही है, वो है तो फैमिली का निज़ाम चल रहा है। मर्द के पास कमाने की और बाहर की सलाहियत है, औरत के पास सारे रिश्तों को गूंज के रखने की सलाहियत है। क्या बात है, इतनी खूबसूरत आपने बात की है। और अगर ये आज की औरत ये बात अच्छी तरह समझ जाए ना, तो मेरा ख्याल है हर घर से लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अच्छा मैं ये चाह रही हूँ सैयदा, ये मम्मा के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये आपको क्या ईद पर भी घर में नज़र आती हैं या फिर ये बस बाहर ही होती हैं अपने काम निपटा रही होती हैं?
सच्ची सच्ची बताना आप। सच्ची सच्ची बता रही हूँ, सब घर पे होते हैं, फैमिली टाइम होता है, जितने भी बाबा हैं भाई हैं वो सब जाते हैं, ईद से जब नमाज पढ़ के आते हैं तो शीर खुरमा होता है वो खाते हैं, देन ऑब्वियसली शेल्टर इज ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो हमारे घर के मेम्बर्स हैं बिल्कुल, तो फिर हम सब मिलके जाते हैं। अच्छा, मिलके जाते हैं, वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी बात है। पता है इसी तरह फिर ये चीज़ ना सिला रहमी और ये जिम्मेदारी का एहसास ये आगे बच्चों में भी ट्रांसफर होता है कि हमारे पेरेंट्स इसको इतना सीरियस लेते हैं। इसकी एक खास बात है सैयदा की, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर वो चीज़ डाली है, मेरे पास जब अल्लाह ताला नई औलादें देता है, क्योंकि मेरी और सारिम बनी साहब की वैसे तो ये इकलौती बेटी है लेकिन हर बेटी हमारी है, तो मैं उन बच्चों का नाम सैयदा से कहती हूँ कि तुम इनका कोई नाम सजेस्ट करो। तो ये क्या करती है, जिसके बहुत अच्छे कजन्स हैं या इसके भाई हैं, मतलब मेरे बेटों के नाम पर शेल्टर पर बच्चों के वो मैं नाम रखती हूँ, वारिस है, वासिक है, ये जो नाम ये देती हैं, इस तरह से ना एक ओनरशिप कह लो, एक मोहब्बत कह लो, एक फैमिली की एक बॉन्डिंग कह लो कि नाम देना सबसे बड़ा तोहफा है, तो मैं इनको इन्वॉल्व रखती हूँ। सैयदा इन चीज़ों में बड़ी पेश होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जनाब मैं आती हूँ इधर अपने ना खूबसूरत से कपल की तरफ, और माशाल्लाह इतनी आप प्यारी लग रही हैं। डॉक्टर साहिबा सच्ची सच्ची मुझे बता दें आप भी कि ये अभी जब आप लोग आए हैं मेरे पास तो आपने वेट करवाया था तैयार होकर डॉक्टर साहब को, या डॉक्टर साहब ने आपको बोला वेट करो जरा मुझे भी कुछ अपनी थोड़ी सेटिंग करनी है, क्योंकि अक्सर हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठे कहीं जाते हैं ना इस बात में ना निकलते वक्त मूड ऑफ होता है कि मैं इंतजार कर रही हूँ, तैयार बैठी हूँ, आप निकल ही नहीं रहे हैं, क्या मसला है? आपने करवाया था या उन्होंने? दोनों का कंट्रीब्यूशन था। दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो ईद कैसी गुजरती है डॉक्टर साहब? ईद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि खासकर रमज़ान के बाद की ईद तो एक खुशी सी भी होती है, और इतने बाबरकत महीना गुजरा होता है, बरकतों का भी वो भी एक खुशी है। लेकिन अभी तो मैंने आपको बुला लिया है ना, तो नमाज के बाद अभी तो आप इधर आ गए, इसके बाद की मसरूफियात क्या? इसके बाद ज़रूर ये होता है कि सबसे पहले मैं और नादिया जो हैं और हमारी तीनों बेटियां, हमारे जो लैब की टीम है ना, सबसे पहले वो हमारी फैमिली है, तो हम सबसे पहले उनको विज़िट करते हैं, उसके बाद दूसरे पे जो है वो हम दोपहर तक, यानी समझें कि मिड आफ्टरनून तक जो है हम आजकल प्रिजन्स में हम काम कर रहे हैं, और वहाँ के जो प्रिजन्स में हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अच्छा। जो सिंध प्रिजन्स के कराची में, वहाँ पे हम विज़िट करते हैं और उन लोगों के साथ ईद मनाते हैं, और शाम में भी फैमिली के साथ और रिलैक्सेशन और फ्रेंड्स के साथ, तो इट्स अ हैपनिंग डे। अब ये सेटिस्फैक्ट्री होता है या नहीं ये डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर नादिया, ये डॉक्टर साहब को ना वैसे ना कम्युनिटी सर्विसेज का भी काफ़ी शौक है, और ये काफ़ी मुझे बाहर दिखते हैं क्योंकि मैं इनको फॉलो करती हूँ फेसबुक पे ना, तो मुझे बताएगा कभी आपको शिकवा इनसे रहता है कि आप घर पर प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे? एक्चुअली ही आई डोंट नो, इवन माई फादर सेज देयर कि ही इज स्टिल अमेज हाउ ही बैलेंसेज हिज टाइम, बिकॉज हमें किसी को वाकई में शिकायत नहीं होती है, वी ऑल गेट आवर टाइम, और मुझे लगता है कि वो एक समहाउ जो एक फुलफिलिंग फीलिंग होती है ना, वंस यू आर यू नो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर हैप्पी विथ योर वर्क एंड योर फैमिली, लेकिन उसके वो जो इनर सेटिस्फेक्शन कुछ करके होती है ना, वो भाभी बता सकती हैं, मतलब इट्स समथिंग एल्स, तो आई एक्चुअली फील प्राउड ऑफ दैट। जबरदस्त डॉक्टर साहब, पास हो गए अब। क्वालिटी टाइम देते हैं, ऐसा क्वालिटी टाइम कि फिर वो कोई कमी महसूस नहीं होती है ना, क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, क्वालिटी मैटर कर रही है। थैंक यू सो मच जी, यानी नादिया भी मुझे बड़ा सपोर्ट करती हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वीमेन इन द हाउस सपोर्ट मैन को ना करें, आई थिंक वी मैन नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम वीमेन अदर वे अराउंड से ज्यादा, ऑब्वियसली, और अगर लेडीज हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जी, और यानी हम काम पे जाते हैं तो हमें एक मेंटल पीस होना, घर जब आएँ तो एक मेंटल पीस हो, चीज़ें हो और रिलैक्सेशन हो, और हम लोग क्योंकि होस्ट भी करते रहते हैं डिनर्स और वगैरह, तो इंटरटेनमेंट भी चलती है, तो नादिया माशाल्लाह बच्चों को भी बहुत अच्छा देखती हैं, और यानी काम अच्छी से, और प्रोफेशनल वर्किंग वूमन मैं समझता हूँ। वाकई में जैसे आपने कहा औरतों के बारे में बात हो रही है, यकीन माने मैं समझता हूँ हमारी जो औरतें पाकिस्तानी वीमेन हैं आर सुपर वीमेन। मैं तो ये नहीं कर सकता कि घर भी चलाऊँ, ससुराल को भी ख्याल रखूं और जो है मैं जॉब पे भी जाऊं, आई मीन आई कांट डू इट। और हम लोग, मैंने देखा है कि जितने लोगों को भी हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे जो वर्किंग वीमेन हैं, इवन हमारी लैब्स में, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, माशाल्लाह यकीन माने इतनी सलाहियत है, और किस तरह वो मैनेज करती हैं, और हमेशा प्रोफेशनल। इवन मेरिट पे अगर आप कोई भी मेरिटोरियस कोई टेस्ट लें, चाहे वो एडमिशन का हो चाहे जॉब्स का हो, अगर लेडीज़ और मैन औरतों को मर्दों को साथ खड़ा कर दे, तो वीमेन हमारी पाकिस्तानी वीमेन जो है ऑलवेज सुपर वीमेन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मुझे बताएगा ये जो आपको माशाल्लाह सोशल एक्टिविटीज़ का शौक है, या फिर मैंने अभी जैसे कि जिक्र भी किया है, बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र हुआ है, बच्चे निकलते हैं आपके या फिर वो फिलहाल नहीं है, छोटे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बड़ी बेटी जी डॉ मेडिकल कॉलेज में दूसरी लॉ कर रही है, वो प्रोफेशनली भी बन रहे हैं। हमारी बच्चियाँ जो है माशाल्लाह वो हर सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, रोटरी के अंदर खास तौर पर हैं,
उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं पोलियो इरेडिकेशन का, उन सब में इन्वॉल्व हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वजह से इनके घर में ना कि जब वो माँ बाप को देखते हैं रेगुलरली तो वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली दे नीड टू डू मोर, ऐसा नहीं कहूँगा कि दे आर आइडियल इन दिस सिचुएशन, दे नीड टू डू मोर। और आई थिंक हमारी जो यंगर यूथ पॉपुलेशन है, यंगर पॉपुलेशन जो कि 62% का बल्ज है, आहिस्ते आहिस्ते हमें सबको इंगेज करना चाहिए, क्योंकि आई मीन दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर्स, यू नो। ऑब्वियसली। अच्छा मुझे ये बताइएगा आप डॉक्टर साहब, अभी भी क्या बच्चे, आपने बताया प्रोफेशनल लाइफ में है, लेकिन क्या वो ईदी के लिए जिद होती है अभी भी? 100% मेरे ख्याल से तो पूरी ईदी तो पूरे साल चलती है उनकी। अच्छा पूरे साल चलती है। पूरे साल का बजट बन जाता है ना वो ईदी में, जी, जी। इतनी मिल जाए पूरा साल चले। या फिर यू नो तो वो तो ईद उनका बड़ा एक बच्चे तो यू नो बच्चे ही होते हैं चाहे जिस एज के भी हों। और यू नो एंड एज फादर यू नो हम चाहते हैं कि उनको सब कुछ दें और ज़्यादा उनके लिए ख्याल भी करें। एंड यू नो और डॉटर्स तो आई थिंक वो ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है, ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है। मैं कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन रखूँ इन चीज़ों के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। मुझे करना पड़ जाता है, आपको करना पड़ता है, आप बैलेंस करती होंगी फिर। तो डॉक्टर नादिया, डॉक्टर साहब आपको ईद पर शॉपिंग कराने लेके जाते हैं या फिर शॉपिंग बस अपनी खुद ही जाके आप करती हैं, या आपको चाहिए होता थोड़ा टाइम के लिए? इनकी भी मैं ही करती हूँ। क्या बात है, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आई कांट डू दैट, इट्स बहुत ही डिफिकल्ट है ये। और आई थिंक नादिया, जिसे नादिया ने कहा वो भी मेरी करती हैं, और नादिया बहुत अच्छी करती हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक शी शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ना एक बड़ी एक ना वो कैजुअल सी अप्रोच एक है जो कि कॉमन लोगों में आजकल है, डॉक्टर बड़ा पैसा कमाते हैं, डॉक्टरों के पास बड़ा पैसा होता है, इनकी बड़ी जायदादें होती हैं ना, सुबह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, शाम में अपने क्लिनिक करते हैं, लैब्स इनकी चल रही हैं, तो ये वाकई इसमें कोई हकीकत है या फिर ये ऐसी बातें हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं, उड़ाई हुई हैं? नहीं नहीं, मैं तो खैर अपने बारे में तो कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए हर प्रोफेशन में हर टीयर्स होते हैं, तो जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो डॉक्टर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक रातों के, आज मैं गायनाकोलॉजी के वार्ड में हम लोग गए थे, डॉक्टर निगहत शाह JPMC में बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रही हैं। आई टेल यू के ईद के दिन भी डॉक्टरनियाँ वहाँ पे मौजूद थी, और मैं आपको बताऊँ कितनी डॉक्टरनियाँ थी जो चांद रात में हॉस्पिटल में ही मौजूद थी। दे हैव नॉट गॉन होम येट, उनकी जॉब आई टेल यू, और रातों में डिलीवरीज हो रही हैं, बच्चे सेव कर रही हैं, माएँ सेव कर रही हैं, और बहुत सारी जगहों में जो डॉक्टर्स की जो जो एफर्ट्स हैं ना, दे आर लाइक वो जो आइसबर्ग होता है ना कि वो नीचे पानी से नीचे जितना चीज़ है ना वो नज़र नहीं आ रही थी, छोटा सा सरफेस पे होती है, बस वो नज़र आ रही होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यकीन माने कोई बीमार पड़ता है तो अल्लाह ताला उसी को एक मसीहा, एक वसीला बना के होता है जो डॉक्टर होता है। आई थिंक हर प्रोफेशन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक बात आपने बहुत अच्छी की, अगर कोई शख्स अच्छा कमा भी रहा है, वी शुड बी हैप्पी फॉर देम। जैसे आप पैदा हुए हैं वैसे वो पैदा होने में ज़िंदगी में मेहनत की, आपने टाइम वेस्ट किया है, प्लस एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अब आप जहाँ भी देखेंगे तो हर हर प्रोफेशन, हर चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक हॉस्पिटल है तो उसमें जितने डॉक्टर इंपॉर्टेंट है उतनी नर्सेज इंपॉर्टेंट है, उतनी सबका, और मतलब किसी के वार्ड बॉय उतना, सफाई वाले, अगर कोई किसी के यहाँ फैक्ट्रीज हैं तो कितने लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं। अभी हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला का बहुत करम रहा, बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलियंस ऑफ जॉब्स ख़त्म हो गई लोगों के ना फॉर कोविड में और सब, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि देखें वो हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत थी। बिल्कुल, आप हम लोग अक्सर ये बात करते हैं डॉक्टर साहिबा कि हम लोगों के ना बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर एक सिलाए रहमी है, यही वजह है कि ये सिस्टम चल रहा है कि हम एक दूसरे की मदद जब करते हैं, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, कि कौम खड़ी हो जाती है कि हमें मदद करनी है। बिल्कुल ये ऐसा है। और इस भी ऐड करूँ, सहरी से भी बात हो रही थी कि भाई वो अच्छा कमाते हैं, अच्छा करते हैं, मैं तो उन डॉक्टर्स को सलूट करती हूँ कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है कि जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वो अपना टाइम निकाल कर SIUT है, इंडस है, उन हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर वर्क करते हैं, क्योंकि फेस्टोला बनाना, यानी जो फेस्टोला लाखों का बनता है किसी प्राइवेट उसमें, लेकिन वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें हो रही होती हैं और वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो देखिए हमारे मुल्क के क्योंकि निज़ाम में चीज़ें उस तरह से बैलेंस नहीं है, तो हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन मेरे मुल्क के लोग चाहे वो डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर कर रहे होते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर उनको नवाजा है तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनको और नवाजे, क्योंकि अपनी हर चीज़ में से, अपनी सलाहियत में से, काबिलियत में से वो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनका जेस्चर है, क्योंकि
मैं पर्सनली मेरा इन सारे हॉस्पिटल से भी मेरा ताल्लुक रहता है, तो मैं उनको सलूट करती हूँ कि वो अगर लाख रुपया कमा रहे हैं तो 2 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन लाख कमाने के बाद बाकी का लाख वो वॉलंटियर वहाँ वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप यकीन जानिए मानिए साहिबा, इस बात को करने का मकसद, वैसे तो ना लाइटर नोट ईदी की मौजू में बात हो रही थी तो मैंने ये बात कर दी, लेकिन ना ये एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए। आपने अच्छा किया, देखिए जो आप बात कर रही है ना वो हजारों लोग सोच रहे हैं, लाखों लोग सोच रहे हैं। हाँ, दूर होना चाहिए ना? उसका हाँ। अच्छा ना मैं डॉक्टर हूँ ना मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर है, अभी तक तो कोई वकील तो मिलेंगे मेरे पास, डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सोसाइटी के जो जो लोग हैं, हर शख्स जो अपना अच्छा कोई रोल प्ले कर रहा है उसको हम खुल के बताएं ताकि हमारी एक पॉजिटिव थिंकिंग हर तरफ फैले। बात ये इस वक्त ना आलिया साहिबा कि आपको जो भी मिल रहा है ना उसके पीछे आपकी एफर्ट्स हैं, शायद वो आपको नजर नहीं आती, एक सक्सेसफुल इंसान आपको सामने नजर आता है लेकिन किस तरह उसने मेहनत की, कैसे वो उस मकाम तक पहुंचा, कितनी रातें वो जागा, ये वही बेहतर जानता है। तो ये जाहिर है सबकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। खैर ये बातें भी साथ साथ चलती रहेंगी, बहुत कुछ है जो मुझे डॉक्टर साहब आपसे भी पूछ लें। अब मुझे बताइए कि सैयदा कितनी ईदी मिलती है मामा से? अब ये तो नहीं बता सकती। बार्गेनिंग होती है ना, जितने अच्छा, पे अम्मा पट जाएं। अच्छा नहीं, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताती हूँ, मैं जो बोलती हूँ ना मुझे वो ईदी मिल जरूर जाती है, बट दी थिंग इज कि अम्मा फौरन आपको वो चीज़ नहीं देंगी ताकि आप में थोड़ा पेशेंस आए। ये बाबा होता है ना, बाबा को आप बोलो बाबा इज लाइक ठीक है, वही वाली बात के सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो फौरन दे देते हैं, ये होता है। अच्छा तो अली साहब शेल्टर होम में भी बच्चे यहाँ जाहिर है उसी तरह आपसे ईदी की डिमांड तो करती होंगी, वहाँ क्या बार्गेनिंग? बात समझ नहीं रही आप, बार्गेनिंग होती है। अच्छा? इतने पे ये दे रही है, ये तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, और वो तो समझो कुछ दिन पहले से शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ उन्हें पता है ना कि जैसे ही खुशियों का कोई मौका आएगा आलिया भाभी हमें सपोर्ट करेंगी। इसको भी मालूम है कि अम्मा फौरी तौर पर नहीं देंगी लेकिन जो इसने कह दिया वो इसको मिलेगा। शेल्टर की मेरी हर बच्ची को ये बात मालूम है कि मेरे दिल में उनके लिए कितनी नरमी है, कितनी मोहब्बत है, तो उन्हें पता है 5-10 मिनट लगा लो भाभी पे, फिर हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। छोटे बच्चों के अलग रेट्स हो जाते हैं और लड़कियों के अलग, फिर जो बूढ़ी खवातीन है उनके अलग। तो जितने मेरे हाथ में होते हैं ना मुझे बजटिंग करनी आती है, ये रब का करम है। अगर रब मुझे बजटिंग ना सिखाता तो शायद मैं इतने बड़े शेल्टर होम को नहीं चला सकती थी। सही बात। तो मेरे टिप्स पे चीज़ें होती हैं और एक सेकंड में मुझे अंदाजा होता है कि इस तरह से करके रेट बांधूंगी तो सबको पूरे हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताएगा, अभी आज तो आप मेरे पास आ गई हैं ना माशाल्लाह से, घर में सारा काम करके नमाज पढ़ने के बाद आप यहाँ आ गए, अभी शेल्टर होम कब जाती हैं, फिर वहाँ कितना वक्त गुजरता है, क्या होता है? दोपहर के वक्त हमारा, यानी सुबह तो वही है कि सारिम साहब नमाज पे जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, दोपहर को ज्वाइंट फैमिली है ना तो दोपहर का खाना हमारे घर पर होता है क्योंकि मेरी खाला यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ये पूरा घर, वो खाने के बाद फिर फ्री होते हैं, फिर जिसने जहाँ 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 जाना है। अब मेरी अम्मा तो हयात है नहीं जो मुझे मैके जाना होगा, भाई मेरे बाहर मुल्क में है, पाकिस्तान में कोई है नहीं, तो बस एक बहन के पास जाना है या फिर मेरा शेल्टर। तो शेल्टर को मैं दोपहर के बाद समेट के वो काम, ताकि उनको, क्योंकि वो तैयार होती हैं और अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मुझे धमकी मिलती है कि आप आ रही हैं या हम लोग कपड़े चेंज कर लें। अल्लाह। तो मेरा ये होता है कि एक तरीके से करके सबको खुश करके फिर शाम हमारी अपनी होती है। और हमारे घर में भी इसी तरह से, एक चीज़ मैं और यहाँ पे कह दूँ कि आज जैसे ईद के दिन के हवाले से कि जब आप ईदी दिया करें तो अपने उन गरीब रिश्तेदारों को, या वो चाहे पड़ोस में है या बेवा, कोई भी जो आपको लगता है कि ये ज़रूरतमंद है, तो आप उसको बेशक बहुत बढ़ा कर भी इनवेलप में पैसे रख कर दे देंगे तो उसकी इज्जत नफ्स भी रह जाएगी और आपके पास से एक अच्छी अमाउंट उस तक चली जाएगी। अभी हमने रमज़ान में ज़कात और वो सारी चीज़ें निकाली, अब ईदी की मद में अल्लाह के खातिर, यानी वो कोई ज़कात या कोई चीज़ नहीं है, वो आप ये समझिए कि आप अल्लाह से सौदा कर रहे हैं और आप उस गरीब रिश्तेदार को जो आप किसी मदद में दें तो वो नहीं लेगा कि शायद ये ज़कात। आप ईद में ईदी दें, अपनी जेब से अपनी पॉकेट मनी के पैसे डालें और उन सब घरों में खुशियां बिखेरें। वजह, रमजान के बाद भी कोई अचानक खुशहाली नहीं आ जाती, जो गरीब है वो गरीब है। आपने बहुत प्यारी बात की और आलिया साहिबा जो सेटिस्फेक्शन ये करके मिलती है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो अपने लिए, अपने किसी खास अपने के लिए करके मिलती होगी। बहुत प्यारी आपने बात की है, बातें तो दिल चाह रहा है बस होती जाए, लेकिन कुछ ओल्ड मेमोरीज भी हैं जो कि मैं चाह रही हूँ कि आपके साथ शेयर की जाए। आलिया साहिबा करेंगी, डॉक्टर साहब करेंगे, तो पहले मैं चाहूँगी आलिया साहिबा आपसे, चूँकि बात हो रही है तो मुझे ये पता चला कि पहले आप निसाबी किताबें पढ़ाया करती थी, यानी कि पढ़ाती थी आप, तो ज़िंदगी जो सफ़र ये है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा इस पर भी हम लोग ना रोशनी हम डालेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या था जो माजी में आपने किया और वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी मसरूफियात, इसके बाद आज आलिया सारिम हमारे सामने बैठी है जो इतना वेलफेयर का काम कर रही है, जिसको लोग जानते हैं, जो बात करना, अपना नुक्ता समझाना, उस पर लोगों को कन्विंस करना जानती है, वो क्या माजी था, मैं चाहूँगी उस पर भी थोड़ी सी बात की जाए। मैं बाय नेचर एक टीचर हूँ, मेरे अंदर एक
टीचर बसता है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे यही एक सलाहियत दी थी। और ये जो थेरेपी है ना, आज तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारे मोटे मोटे लफ्ज़ हैं साइकोलॉजी के और थेरेपी के और तरह तरह के हम सुनते हैं। मेरी उम्र रही होगी 5 साल और मुझे उस वक्त ये पता चला कि मेरे अपने कुछ फैमिली के जैसे जानने वाले लोग थे, आंटी काजी का मैं एक नाम लूँ, उनके यहाँ अगर उन्हें कोई टेंशन होती थी ना, अब सोचिए 5, 6, 8 साल की बच्ची और कहा यह जा रहा है कि उसको बुलाओ, वो आकर जब घर में बातें करेगी तो हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी मुझे उस वक्त से अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी थी मेरे अंदर कि मैं बातें करूँगी तो सामने वाला पुरसकून हो जाएगा। अब तो होते होते इतने दुख समेटते समेटते इस दुनिया के मुझे अंदाज़ा हो गया है कि किसको कहाँ थपकी देनी है, कौन सा जुमला बोलना है, तो ये आंसू रुक जाएंगे। लेकिन जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानती थी, बहुत 5 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची, तब भी लोग मुझे मेरे अपने प्यार करने वाले बिठाते थे कि होते ना बाज़ बच्चे ऐसे होते ऐसी गपशप करते हैं कि आप सारी बातें भूल के उनकी मासूमियत बातों में गुम हो जाते हैं। तो वो चीज़ तो मुझे तब से याद है। फिर उसका जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और बहुत मेरी एज कम थी, तो मैंने उसके बाद से मेरी कोई फरमाइश कभी नहीं रही, जबकि माशाल्लाह मेरे घर में पैसे की भी फरावानी थी, मेरा ददिहाल भी बहुत था। आपको थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि ये टीचर माशाल्लाह से एक स्कूल की और आज हजारों बच्चियों की मैडम है, भाभी है, तो ये कहलाना आप कैसा लगता है? बहुत सारी बातें जो मैंने आपसे करनी है, डॉक्टर फरहान आपसे भी बहुत कुछ पूछना है, लेकिन ईद पे आपको पता ना कि महफिलें सजती हैं, प्यारों को बुलाया जाता है, मेहमान आते हैं बड़ी तादाद में, तो ऐसे में किचन में क्या पकाना है ये भी एक सवाल होता है कि भाई आज पकाया क्या जाए, सबको खिलाया क्या जाए। तो शेफ मायदा इस वक्त बोल के जायके में ईद पे क्या बनाना सिखा रही हैं, उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि वो आज क्या हमें कौन सी रेसिपी बताएंगी और बनाएंगी। जी नाज़रीन, वेलकम टू बोल के जायके और शेफ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां हैं और ऐसा कैसे मुमकिन है कि मीठी ईद पे कुछ मीठा ना बनाया जाए। और आज आपको पता है कि हम सभी के घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी दिन भर जारी रहेगा, तो किचन में काम भी होता रहेगा, तो हमने सोचा कि ईद पे भी आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती रेसिपीज शेयर की जाएँ। तो मायदा आज हमें बताएंगी कि वो क्या बना रही है। तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। सरिश, आज हम बना रहे हैं क्योंकि मीठा आप सब लोगों के घरों में बनता है, तो आज हम थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं एप्रिकॉट डिलाइट, जो कि हम सर्व करेंगे वॉल्स के किंग कुल्फे के साथ। क्या बात है। और उसके साथ साथ हम बना रहे हैं सबरोसो की चिकन कचौरी, जो हम इसको सर्व करेंगे तरकारी के साथ। चले जी, कचौरी के साथ तरकारी और साथ में जनाब डिलाइट विद कुल्फा। तो जी, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सरिश, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एप्रिकॉट डिलाइट, ठीक है? ये 3 स्टेप में बनेगी। सबसे पहले हम इसका कस्टर्ड रेडी कर रहे हैं, ठीक है जी? ठीक है, हमने दूध को बॉईल करके रखा हुआ था ऑलरेडी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। सही, ठीक है, हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा वनीला कस्टर्ड, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना हम इतने वनीला कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त, इसमें फौरन फौरन से हमें ना वो स्पून जो है वो चलाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो कस्टर्ड है उसकी गुटलियाँ बन जाती हैं और फिर वो जनाब हल नहीं होती है, इसके लंप्स बन जाते हैं। इसको बनना, कुछ लोग मायदा पानी में हल करके भी इसको मतलब मिक्स करने के बाद, लेकिन अगर आपका दूध गर्म होता है और आप इसको डालते हैं तो ये फौरन ही डिजोल्व हो जाता है। ज़बरदस्त, ठीक है जी, हमने इसमें वनीला कस्टर्ड डाला। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हमारा वनीला एसेंस, बहुत ही थोड़ा सा, 2 ड्रॉप जितना हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। ठीक है जी, ये जब तक हमारा यहाँ पर बन रहा है, हम आपको बता दें इसका जो सेकंड स्टेप है रेसिपी का, वो है हमारी एप्रिकॉट डिलाइट की जो ख़ास बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर खुबानी को किस तरीके से प्रोसेस किया है। हमने खुबानी को पहले ब्लांच किया है, तकरीबन आधे घंटे पानी में इसको सोक करा था, फिर उसके बाद हमने इसको बॉईल किया है, इसके बाद हमने इसके सीड्स निकाल दिए थे, सीड्स निकालने के बाद हमने इसको ब्लेंड किया है और इसके बाद ये हमारा इस कंडीशन में आ गया ठंडा करने के बाद। हमारा यहाँ पर कस्टर्ड भी रेडी है। ठीक है जी, अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है जी, मैं आई थिंक इसके ऑन कर दूँ? हाँ जी, ये आप कर दें। हम इस पर सबरोसो की कचौरी फ्राई करेंगे। चले जी, और सबरोसो की जहाँ पर बात आती है, पाकिस्तान का ट्रस्टेड ब्रांड है सबरोसो, और ये जनाब कचौरी इसकी
जो कि आज हम फ्राई करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कैमरामैन एक दफ़ा दिखा दें, ये जनाब कचौरी जो कि चिकन कचौरी है और बहुत ही क्रिस्पी होती है ये। और अगर हम सेब्रोसो की स्पेसिफिकली बात करें तो ये जनाब अपनी जो चिकन की स्ट्रिप्स हैं उनकी वजह से काफ़ी फेमस ब्रांड है। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स इनकी बहुत मज़े की होती हैं, बच्चे बर्गर्स में काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके अलावा चिकन स्प्रिंग रोल्स इनके बहुत टेस्टी होते हैं, वो भी हमारे किचन में मौजूद होते हैं। तो लिहाजा जो सेब्रोसो की कचौरी है ना, ये मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ, होप सो आपको भी पसंद आएंगे। अगर आप नहीं लेके आए तो लाजमी मार्केट से लेके आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रमज़ान में तो जी परफेक्टली डन, हम लोगों ने इससे बहुत कुछ किया था, तो लिहाजा ईद पर भी हमने मौका नहीं छोड़ा। आज भी सेब्रोसो की कचौरी हमारे किचन में बनेगी और उसके साथ आलू की तरकारी। शेफ माहिदा आप क्या कर रही हैं? जी मैंने यहाँ पर जो हमारी खुबानी की प्यूरी थी उसको यहाँ पर पूरा मैंने लेयर कर दिया है। इसके बाद जो हमारे प्लेन केक होता है, ठीक है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, हम यहाँ पे इसको असेंबल करेंगे हमारे प्लेन केक को सही अच्छी तरीके से। ठीक है, ये मतलब इसकी लेयर आ जाएगी केक की। हाँ जी, और ये बहुत ही इसके ऊपर क्रीम आ जाएगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। पता है आपको छोटी ईद पर, स्पेशली मीठी ईद पर, तो मायदा दिन भर खाना पीना चल रहा होता है और कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो ऐसे में ये रेसिपीज हमारे नाजरीन के बहुत काम आएंगी। वो लोग जो कुछ एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं आज अपने मेहमानों के लिए, वो लाजमी इनको ट्राई करें। और सेब्रोसो की कचौरी तो लाजमी आपने ट्राई करनी है, क्योंकि जहाँ सेब्रोसो की बात आती है तो सेब्रोसो एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार करता है जो कि खाने के बाद आपको हैवीनेस फील नहीं होती, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, बहुत ऑयली इनके प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत मीठी ट्रेडिशनल सा टेस्ट होता है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके साथ कुछ मतलब इस रेसिपी के साथ कुछ सॉस हो या फिर भले आप इसको म्यों के साथ या केचप के साथ भी नोश फरमा सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं आलू की तरकारी जो कि बहुत मज़े की लगती है कचौरी के साथ स्पेशली। जी तो हमने यहाँ पर क्रीम को ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हम टिश्यू अगर ले लें। जी बिल्कुल, ये भी काफी झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी जल्दी बन रही है, असेंबल करना है इसको। ठीक, अब आप इसके ऊपर दोबारा से जो है ये इसकी लेयरिंग करेंगे, जबरदस्त। अच्छा मतलब ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें मतलब हेल्दी भी है और बहुत डिफरेंट जो है उनकी पेस्ट आप साथ इसमें यूज कर रहे हैं, फिर दूध भी आ गया, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। जो बच्चे दूध से भागते हैं ना, उनको इस तरह की ना रेसिपीज माएँ अगर बना के दें तो वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट मिल्की या कैल्शियम उनके मतलब बॉडी में चला जाता है, तो ये लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा आपको टिश्यू और चाहिए? नहीं थैंक यू। अच्छा अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा कस्टर्ड। जी इस रेसिपी में बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। अच्छा ये हमारा इसमें कस्टर्ड आ जाएगा। ओके ठीक है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से ठीक है जी पोर कर देते हैं। चलें जी आप इसको पोर करें, साथ साथ मैं एक बार फिर से रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ। एप्रिकोट डिलाइट जो कि हम सर्व करने जा रहे हैं कुल्फा जो है किंग वॉल्स का उसके साथ, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं उसमें आपने एप्रिकोट की प्योरी सुना है वो कैसे बनाई। हमने ड्राइड एप्रिकोट लिए तकरीबन 250 ग्राम जिनको धोया और उनको ओवरनाइट हमने पानी में सोक करना है। उसके बाद एक कप पानी उसमें डालना है, उसको बॉयल करना है, उसके छिलके को रिमूव करना है, गुठली को रिमूव करना है, उसमें शुगर डालनी है और उसको ब्लेंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और इस तरह आप घर में एक बड़ी मज़े की कोन बना सकते हैं, ऊपर उसको स्कॉच टेप लगा दें आप और उसके बाद उसको दबा के आप बड़े अच्छे से जिस तरह चाहें गार्निशिंग कर सकते हैं अपनी किसी भी रेसिपी के ऊपर। तो वो आपने जनाब बना लेनी है। फिर कस्टर्ड हमने बनाया तकरीबन 750 मिलीलीटर के हिसाब से हमने मिल्क लिया, 4 चम्मच उसमें चीनी के डाले और कस्टर्ड पाउडर उसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून डाला, वनीला एसेंस डाला और उसके बाद हमने जब उसको बना लिया तो फिर आपने देखा कि हमने साथ साथ क्रीम के साथ उसको गार्निश किया है और उसके बाद ये प्यूरी डाली और अब लास्ट में मायदा इसके ऊपर डाल रही है जनाब किंग कुल्फा वॉल्स की आइसक्रीम जो कि इसको 4 चांद लगा देगी इसके टेस्ट को और ये डिलीशियस हो जाएगा। ऐसे ही आपने इसको बहुत रफली तरीके से इस पर स्प्रेड करना है। ठीक हो गया, किंग कुल्फे के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। अच्छा मैं यहाँ से ट्रे रिमूव कर दूँ वो वाला आइसक्रीम वाला। चले जी, तो मीठी ईद पे मीठी मीठी खुशियाँ होती हैं और बच्चों की मीठी मीठी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जब स्पेशली घर में उनकी पसंद की चीज़ बनी हो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो हमने आज ईद पे आपके साथ एक बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर की है, ये लाजमी आप ट्राई कीजिए और मेरे लिए भी बिल्कुल नई है, आपके बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी। हाँ जी, अब हम इसके ऊपर जो है
वो हमारे नट्स डालेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसको और स्प्रेड कर देते हैं। चलें जी, जबरदस्त, बड़ा क्रीमी सा एक मजे का मतलब इसका लुक है। और आप अब इसके बाद गार्निशिंग के लिए स्टैचूज और एलिमेंट्स को क्रश करके डाल सकते हैं। चले जी, ये बड़े मजे के इस पे ना एलिमेंट्स और साथ में हमने स्टैचूज को क्रश करके इसमें गार्निश कर लिया है। और अब ये रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन है और आप इसको अपने फ्रीजर में रखें और जब ये यख हो जाए ना ठंडी तो फिर आप इसको जनाब सर्व करें, आपके मेहमान बहुत मजे से खाएंगे। अब शेफ माहिदा आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, और तरफ आ जाते हैं सब्रोसों की। ठीक है, मैं रिमूव कर लूंगी, आप इस तरफ आ जाए। ठीक है जी, मैं आपकी हेल्प तो कराती हूँ ना साथ साथ। चलें जी, ये जी हमारी चिकन कचौरी है सब्रोसों की, जो हमने ऑयल को पहले से प्री हीट कर लिया है। चलें जनाब, अब आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है सब्रोसों की चिकन कचौरी और उसके साथ है आलू की तरकारी। तो जी शेफ मायदा बताइएगा, ये बड़ी मजे की बहुत कोटिंग के साथ ये कचौरी है। हाँ जी, आपके पास ईद पे वैसे भी इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप इसकी पूरी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये बहुत लेंदी रेसिपी होती है चिकन कचौरी। तो ये सब्रोसों ने बहुत ही काम आसान कर दिया हमारा, तो हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा फ्लेम हम हाई कर देंगे। चले जी, ठीक है जी, हम इसकी जब तक ये फ्राई होंगी तब तक फिर आप अपनी आलू की तरकारी बनाएंगी। उसका स्टोव भी मैं ऑन कर देती हूँ ताकि उसके भी काम शुरू हो जाएगा फिर। चले, हमारी चिकन कचौरी है। हाँ जी, इसके अंदर जनाब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं रिपीट करने जा रही हूँ। हमारे पास बॉयल्ड पोटैटो हैं जो कि तकरीबन हाफ के जी है, जिनको हमने बॉयल करने के बाद मैश कर लिया है। उसके बाद हमारे पास तकरीबन 4 कप्स पानी है और नमक हसबे ज़रूरत, रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और ज़ीरा हमारे पास मौजूद है, टर्मेरिक मौजूद है यानी कि हल्दी पाउडर, उसके अलावा यहाँ पर कलौंजी और मेथी दाना है और साथ में हरा धनिया। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अभी आलू की तरकारी में हम डालने जा रहे हैं। तो शेफ़ मायदा आप स्टार्ट कीजिए, जब तक आप ये शुरू करेंगी, ऑयल डाल रही हैं हम, तब तक मैं बता दूं कि हमारे किचन में इस वक्त लेमन मैक्स मौजूद है, जो कि बहुत ज़रूरी है हर किचन में होना, क्योंकि लेमन मैक्स के 2 ड्रॉप्स आपकी 3x मोर टाइम्स ग्रीस को कट करते हैं, झाग बनता जाता है, बर्तन धुलते जाते हैं। तो ईद के मौके पर जब मेहमानों ने धड़ाधड़ आपके घर आना होता है तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं डिश वॉशिंग की। लेमन मैक्स लिक्विड हो या बार, दोनों वैसे ही काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिश वॉशिंग होती है, जेंटली आपके बर्तन धुलते हैं और खुशबू भी आती है। अच्छा, आपने ऑयल को ऑयल गरम किया, इसके अंदर हमने ज़ीरा डाला थोड़ा सा, हम यहाँ पे मेथी दाना डालेंगे। ठीक है, और जी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है वरना ये जल जाएगा। सही, हम इसको भी साथ साथ देख लेते हैं, कचौरियाँ तो जब लाइट ब्राउन कलर इनका आ जाएगा तो हम और हम इनको थोड़ा सा जो है वो फ्लेम को अब मीडियम कर देंगे, क्योंकि वरना ये ऊपर से पक जाएंगी। ठीक हो गया। ठीक है, जब तक ये हमारी फ्राई हो रही है, हमने यहाँ पर अपना मेथी दाने को और ज़ीरो को थोड़ा सा कड़कड़ाना है बस। सही, ठीक है, इसको कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे बॉयल पोटैटोज लिए हुए हैं, हम इसको जो है मैश करके रखा हुआ है, हमने अपने पूरा मैश नहीं करना, थोड़ा सा चंक्स इसमें रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। सही, ठीक है, फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर देंगे इस पर। सही, और इस पॉइंट पे आके हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी और फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। चलो, जब तक इसकी ग्रेवी बन रही है थोड़ा सा हम बस इसमें थोड़ा सा इसका आई थिंक सो हम आंच इसकी थोड़ी तेज़ करेंगे। थोड़ा सा बस इसके अंदर हमने 1/2 कप जितना पानी डाला है। सही, ये जनाब हमारी सब्रोसों की जो कचौरियाँ हैं वो भी ऑलमोस्ट अब गोल्डन ब्राउन होने वाली हैं, फिर हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर कलौंजी डालेंगे हमारी। ओके, अच्छा कलौंजी जो है आलू की तरकारी की जान है, ऐसा ही कलौंजी के बगैर ये बिल्कुल रेसिपी इनकम्प्लीट है। ऐसा ही है, हम यहाँ पर कचौरियाँ हमारी ऑलमोस्ट फ्राइड हो गई हैं, बस हल्का सा और कलर इसके अंदर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। जब तक हम अपनी रेड चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून जितनी। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है इसमें। सही, ठीक है, इसके कलर देने के लिए।
और जी साथ ही इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सही, चले जी, आई थिंक सो ये डन है शेफ मायदा, देखिएगा ये भी डन है और ये भी हमारा ऑलमोस्ट, जी जी बिल्कुल सर, ये निकालिए और ये भी हमारी तरकारी भी डन है ऑलमोस्ट। चलो हमारे क्योंकि पोटैटोज ऑलरेडी बॉइल्ड थे और कुक थे तो ये हमारी तरकारी भी यहाँ पर डन है। हम अपने यहाँ से चीज़ें हटा के अब इसकी सर्विंग की तरफ आ जाते हैं। चलें जी आप इसकी सर्विंग की तरफ आएँ, तब तक नाज़रीन को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने जनाब आज तैयार किया है एप्रिकोट डिलाइट, जो कि हमने सर्व किया है किंग कुल्फ़ा वॉल्स की आइसक्रीम के साथ और बहुत ही डिलीशियस ये स्वीट डिज़र्ट है, जिसमें कि हमने देखा है कि शेफ़ मायदा ने ड्राइड एप्रिकोट्स लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम के करीब, जिनको रात भर इन्होंने सोक किया पानी में, उसके बाद इनकी गुटलियाँ निकाल के इनको उन्होंने एक कप पानी डाल के दोबारा से आपने इसको शेफ़ मायदा जी जी बिल्कुल पेस्ट इसका बनाया था, उसके बाद ब्लेंड कर लिया था और कोन में डाल दिया था ताकि गार्निशिंग अच्छी सी हो सके। उसके अलावा जनाब आपने दूध लिया तकरीबन, आपने मेरा ख्याल है कि 1 लीटर के करीब ही होगा, 1 लीटर के करीब हमने दूध लिया था, दूध लिया उसमें 4 टेबलस्पून आपने शुगर डाली, कस्टर्ड डाला, वनीला एसेंस डाला और जनाब आपने क्रीम ली और उसके बाद आपने जनाब प्लेन केक लेके उसकी एक लेयर बनाई, उसके बाद आपने उसके ऊपर जो एप्रिकोट की प्यूरी है उसकी एक आपने एक लेयर बनाई, फिर आपने क्रीम की लेयर बनाई और इस सब लेयर्स बनाने के बाद आपने सबसे ऊपर इसके कुल्फ़ा वॉल्स की जो किंग कुल्फ़ा आइसक्रीम है वो डाली है और एंड में आपने उसकी गार्निशिंग की है एलमंड्स और पिस्ताचू क्रश के साथ। चले जी आपकी दोनों रेसिपीज ऑलमोस्ट डन है, ये हमारी दोनों रेसिपीज डन है, इस पर हम थोड़ा सा धनिया लगा देंगे, ठीक है, वी आर डन विद आवर रेसिपी। ठीक है जी, चले जी एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि हम ये कचौरी और साथ में आलू की तरकारी जो हमने सर्व की है उसका भी बता दें कि कचौरी हमारी जनाब चिकन कचौरी थी सेब्रोसो की, अगर आप अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो सेब्रोसो पाकिस्तान ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा जनाब आप shopsebroso.pk आप वेबसाइट भी विजिट कीजिए, यहाँ से अपने लिए ऑर्डर कीजिए, राइडर आपके घर पर डोर स्टेप पर डिलीवर करेगा, सो नो टेंशन, मेहमान अगर एकदम से आ गए हैं तो आपने झटपट से सेब्रोसो की कचौरियाँ ऑर्डर करनी है, उनको डीप फ्राई करना है, उनके साथ आलू की तरकारी बनानी है जो कि बहुत इजी है। इसमें हमने पोटैटोज दिए थे बॉयल जो कि 1/2 kg थे, पानी डाला था इसमें 4 कप्स और सॉल्ट हसबे ज़रूरत, रेड चिली फ्लेक्स हसबे ज़रूरत और ज़ीरा इसमें डाला हमने, हल्दी डाली, मेथी दाना, कलौंजी डाली और हमारा जनाब आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी है। और इसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हल्दी का ताकि इसका कलर चेंज हो और इंग्रीडियंट्स बड़े सिंपल है, झटपट से आपकी आलू की तरकारी रेडी हो जाती है। कैमरामैन दोनों रेसिपीज़ आप दिखा दें, तो मुझे और शेफ़ मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए, ईद की खुशियों में हमें नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखिए, ईद मुबारक, वापस चलते हैं स्टूडियोज। जी वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं और होप सो जो जो हमें देख रहा है वो इंजॉय कर रहा होगा आज की इस खूबसूरत महफिल में जो गुफ्तगू हो रही है। तो मेरा सवाल जो ब्रेक से पहले मैं छोड़ के गई थी वो आलिया साहब आपसे ही था, मैं चाहूँगी उसे कंप्लीट कर ले फिर भी डॉक्टर साहब की तरफ जाना है, ये टीचर जो कि आप थी और अब आपको मैंने अच्छा। कभी अम्मी से पैसे नहीं मांगने थे, ये मेरी नेचर है, मुझे कभी भी कुछ मांगना पसंद नहीं है, आपको इसको अच्छा समझे या इसको बुरा समझे, तो मैं ट्यूशंस किया करती थी, जब इतनी खुददारी इतनी जल्दी नहीं मालूम ना अंदर अच्छा। है, मैंने कहा ना बात अच्छी की मुझे नहीं पता था और मुझे किसी से मांगना नहीं पसंद था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरी अपनी बहन है ना उसके बारे में मशहूर था कि वो जब तैयार होगी तो उसको एक नया जोड़ा चाहिए होगा, तो ये कहना कि घर का माहौल, वो भी सगी बहन थी लेकिन उसकी डिमांड्स थी, मेरी डिमांड्स नहीं थी, तो मैं ट्यूशंस किया करती थी और मुझे ट्यूशंस में मैं इतनी उस वक्त अपने बेस पर PF शारे फैसल पर, क्योंकि नाम से मैं बताऊँ वहाँ पर इतनी बेस कमांडर से लेकर और कौन कौन से बच्चे ट्यूशंस के लिए नहीं आते थे, और ये बात मशहूर थी कि जो किसी से कंट्रोल नहीं होता स्टूडेंट उसको आप आलिया के पास भेजिए, ये कंट्रोल कर लेगी। अब मेरी उम्र भी कम है, अब तजर्बा तो पता नहीं कितना था, लेकिन वाकई बच्चे कंट्रोल होते थे, बल्कि मेरी शादी के बाद मेरे वो बच्चे जो उस वक्त पढ़ते थे मेरे पास पढ़कर और अमेरिका से और इंग्लैंड से जब उन्होंने डिग्रीज ली हैं तो उनकी माएँ मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आई, क्या तो वो बहुत प्राउड खूबसूरत एहसास होता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कुछ ओल्ड मेमोरीज आपकी भी जो है ना नाज़रीन से आप शेयर करें, मेरे साथ भी शेयर करें, आज से तकरीबन 37 साल पहले 1987 में
आपके वालिद साहब ने मेडिकल के शोबे में खिदमात का सोचा, फिर पाकिस्तान में माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद रखी और उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी कि उन्होंने वो बात ये जान ली कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इन्फेक्शन आएंगे, वायरसेज आएंगे, डिजीज़ बढ़ जाएंगी। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा उस थोड़े से उस वक्त को मेमोराइज़ करते हैं जब आपके वालिद साहब ने पहली लेबॉर्टरी बनाने का फ़ैसला किया था। उस वक्त वो क्या माहौल था, वो क्या मेमोरीज थी जब आपके घर में ये सोचा जा रहा था, आज बताएंगे। हुआ ये था कि हम लोग पहले मुल्क से बाहर रहते थे, तो हम लोग कुछ साल पहले पाकिस्तान वापस आए थे। हम तो ज़्यादा छोटे थे उस ज़माने में, और मुझे याद है जब मेरे फादर ने ये डिसाइड किया कि वो हर चीज़ छोड़ के बाहर से पाकिस्तान आके लेबॉर्टरी इस्टेब्लिश करेंगे, तो एक अनसर्टेनिटी भी थी, क्योंकि जब आप एक बाहर के माहौल में रहे हों और यू नो इस्टेब्लिश्ड हों और एकदम से ज़ीरो से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें, और तो एक तो सबसे पहले मुझे याद है कि थोड़ी सी एक एप्रीहेंशन ज़रूर थी। लेकिन मेरी मदर वो भी अमेरिकन क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं, उस 1968 में। शी इज सच अ ग्रेसफुल लेडी, मैंने उनको देखा है, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत ही प्यारी खातून अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो शी स्टूड बाय और उन्होंने उनको इनक्रेज भी किया, और मेरे फादर ने स्टार्ट किया, देन वही वेमेन एम्पावरमेंट एंड सपोर्ट, और आई थिंक वो बहुत ही अच्छा पौधा था। उस ज़माने में माइक्रोबायोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी, सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। फिर इन लोगों ने और प्रोफेसर डॉक्टर शाहाना और उर्ज कादमी जो उनकी स्टूडेंट्स थी, ना सिर्फ कि हमने लैब स्टैब्लिश करी मेरे वालिद साहब ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान में माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट किया। और देखें फिर कोविड आ गया, और आपको मैं बताऊँ कि फ्यूचर में, मतलब डराना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर हम वो एहतियाती तदाबीर ना रखें ऐसी बीमारियाँ और भी आ सकती हैं। तो ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं, बट होप है, और कहते हैं ना उम्मीदी कुफर है इस्लाम। सही बात है। तो इफ़ यू हैव, अगर आप पॉजिटिव इंटरवेंशंस करें तो सब कुछ हो सकता है। तो यानी इंडिविजुअल्स की इतनी कंट्रीब्यूशन, मैं बताऊं पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, आज आप देख रहे हैं ईद के दिन भी मैं झंडा पहना हुआ हूँ। सही बात। यह कि मैंने पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो कि पाकिस्तान को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंट्रीज़ होने से रोके, सिवाय हम खुद के। ऐसा ही है, ऐसा अगर ही है। हम थोड़े से पॉजिटिव हो जाएं, जैसे आपका प्रोग्राम इतना पॉजिटिव है माशाल्लाह, जो लोगों के अंदर एनर्जी भर देता है, बस यही एनर्जी चाहिए हमको। आई थिंक आप भी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, और आई सी कि 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत ही इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल मुल्क में और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही पॉजिटिविटी चाहिए, और जिस तरह आप इतना, मतलब आपका डिटर्मिनेशन मैं देखती हूँ, फिर आप इतनी पॉजिटिविटी के साथ जिस तरह काम करते जा रहे हैं, ये जज्बा सभी में हो तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। मुझे डॉक्टर साहब आप बताइएगा आपका कंट्रीब्यूशन फिर क्या है, जाहिर है डॉक्टर साहब तो कर ही रहे हैं, आप कितना इनका हाथ बटा रही हैं और आप किस तरह से इनको सपोर्ट कर रही हैं, शादी के बाद कितना चेंज आपकी लाइफ में आया है, बताएंगी? बिल्कुल। मैंने मेडिसिन किया था, हाउस जॉब नहीं किया था, फिनिश व्हेन आई गॉट मैरिड टू फरहान, और बस जब मैंने आई वाज फिनिशिंग माय हाउस जॉब तो ही सेड कि भाई मुझे मैनेजमेंट में आ जाइए, मुझे मैनेजमेंट में अपना बंदा चाहिए। अच्छा, अपना बंदा चाहिए, ये शादी के बाद की बात है ना, ये पहले की बात तो नहीं है कि अपना बंदा चाहिए। आप दोनों की वैसे बाय द वे अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? इनकी अरेंज थी, मेरी लव थी। तो यानी मोहब्बत का इजहार आपने पहले किया था? नहीं नहीं, वो हो नहीं सका, लेकिन बट शी मेड अ गुड चॉइस। मेडिकल डॉक्टर थी तो मेरा क्लिनिकल एक्यूमेंट था, आई टोल्ड हिम भाई मेरा बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है, मेरे फैमिली में सब लोग डॉक्टर्स हैं, बोथ माई पेरेंट्स और माई सिब्लिंग्स रिलेटिव डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप बनाए, तो आई डिड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, कॉलेज फिजिशियन सर्जन से मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एंड देन आई एक्चुअली इट ग्रू ऑन मी, और फरहान के साथ बहुत अच्छा, फरहान साहब ने आपकी इन स्किल्स को पहले देख लिया, समझ लिया, जबरदस्त, नहीं माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा मेरे पास ना डॉक्टर साहब एक पिक्चर है, और आप देखें थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, फेसबुक प्रोफाइल बताती है कि डॉक्टर साहब पिक्चर्स और ग्रुप फोटो के बहुत शौकीन हैं, और इसीलिए ये सारे अपलोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बात ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, अच्छी बड़ी अच्छी मेमोरीज होती हैं। आई थिंक सोशल मीडिया तो आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकली सबसे मज़ा ये आता है जब 4-5 साल 6 साल के बाद, आज के प्रोग्राम की भी हम डालूंगा मैं, और 5-6 साल बाद जब यू नो व्हेन यू सी देम यू रिलिव दोस मोमेंट्स। अच्छा वैसे आपने इतनी अच्छी बात की, वाकई में जब हम अपनी पुरानी कुछ पिक्चर्स को देखते हैं ना, तो वो सारी मेमोरीज
हमारी रिफ्रेश हो जाती है कि ऐसा भी हुआ था, हम कितने अच्छे थे, कितना अच्छा था जब ऐसे हो रहा था, वाकई ऐसा है। अच्छा, ख्वातीन डे पे यानी कि वुमेंस डे पर मैं ख्वातीन के लिए वर्कशॉप का अहतमाम, मगर प्रोफाइल पर कोई एक खातून कॉमेंट नहीं करती, क्या ये भाभी का कोई रोब और दबदबा है, क्या है, ज़रा मुझे ये बता दें। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। नादी का रोबो दबदबा भी है और आई थिंक ये सब वाइफ्स का होता है, और बट ये कि यू नो आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट, यू नो, एंड वी मेड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और नादिया भी उसको देखती हैं, और आई थिंक ये एक अलग दुनिया सी भी है, और आई थिंक हम इससे और बॉन्डिंग्स हमारी बढ़ गई हैं। और हमारी नादिया ज़्यादा अच्छा बताएंगी कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। डॉक्टर नादिया बताएगा क्या वजह है कि इन्होंने वुमेंस डे पे पोस्ट ये लगाई है, उसमें तो खवातीन तो बढ़ चढ़ के बोलती हैं कि भाई हमारे लिए बात हो रही है, किसी एक खातून का कॉमेंट नहीं है, ये आपका डर है या फिर ये डॉक्टर साहब जो है वो बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हैं? ये अल्लाह का करम है। अच्छा नहीं माशाल्लाह, लेकिन इतनी पॉजिटिव इनकी शख्सियत है, तो इनकी सोशल मीडिया वॉल पर नाज़रीन अगर आप कभी आप जाकर देखेंगे ना, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं होगा। हम आपको दिखाते हैं, ये सामने आप देख भी रहे हैं, सारे कमेंट्स पॉजिटिव हैं, कोई कोई ऐसा कमेंट नहीं है जिसको कि डिलीट करने की ज़रूरत पेश आए, या फिर होता है ना कि तनकीद किसी को बर्दाश्त ना हो तो वो खुद डिलीट कर देता है। आई डोंट थिंक सो कभी आपने ऐसा किया होगा डॉक्टर साहब। और नहीं बल्कि दैट्स ट्रू मैंने किया नहीं। और वैसे बच्ची बच्ची आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नोट किया, मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था इसके बारे में। नहीं अब आप एनालिसिस, अब मैं इसको एनालिटिकली देखूंगा चले जी, ये जो आलिया भाभी इतना खुश हो रही है ना, जब आप इनकी तरफ आते हैं। अच्छा, सादगी इतनी है हमारी भाभी में माशाल्लाह कि ब्लर पिक्चर भी हो तो पोस्ट हो जाती है, और इतनी शोहरत के बावजूद क्या वाकई कोई सोशल मीडिया टीम आपकी नहीं है? मुझे बड़ी हैरत है, अगर नहीं है तो कोई भी नहीं है। ये जो आप चीज़ें देख रही हैं, मैं मुझे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एक जज्बा है, एक मेरी सोच है कि मैंने कुछ करना है, और टेक्नोलॉजी के बगैर अभी काम नहीं चलता। मुझे सिर्फ 6-7 बटन दबाने आते हैं, मैं इंस्टा पर भी हूँ, और रिसेंटली अभी रमज़ान में मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया है। इंस्टा पर अगर लोग देखना चाहें तो alia.sarimbarni के नाम से हूँ, alia.sarimbarni। ऐसे बच्चों की तरह स्पेलिंग भी बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें मालूम भी नहीं है। और यूट्यूब पे मैं हूँ @aliasarim, aliasarimbarni नाम किसी और ने ले लिया, हमें वो भी ना मिला, खैर फ़र्क नहीं पड़ता। खुद ही वीडियो ऐसे बनती है कि रेंडम कोई भी शख्स जो मुझे मिल जाता है ना, यानी कोई भी, अगर मैं मताफ़ में थी और मैं हज की हालत में थी और मैंने फजर में दुआ करनी थी और मेरे पास 5 मिनट थे, मैंने सोचा कुछ ऐसा बोलूं कि सब पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए दुआ करें, मुझे नहीं पता बराबर में किस मुल्क की कौन थी, इशारों से और इंग्लिश में जितना समझे मैंने उसको किया, उसने वो वीडियो बनाई और मैंने वहाँ से सुबह फजर की वीडियो मैंने डाल दी। मैंने नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं, यकीन जाने अल्लाह ने वहाँ से दुआएँ करवाई हैं। देखिए पाकिस्तान अभी भी जिस तरह से बच के, अल्लाह इसको हमेशा सलामत रखे, मैं और मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं और हम बचते हैं, और मेरी ब्लर तस्वीर से क्या फर्क पड़ता है? बात तो ये कि कंटेंट जाए, बात तो ये कि वालिया सारी में है चाहे ब्लर तस्वीर है, लेकिन ये है कि अगर आपकी मीडिया कोई टीम नहीं है तो आपकी माशाल्लाह सैयदा यंग जनरेशन जो कि पेश इन कामों में वो सपोर्ट करेगी आपको। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत पर्टिकुलर हूं, मैं परफेक्शनिस्ट हूं, मुझे बहुत इशू है, मेरे मुंह से जो एक एक लफ्ज निकलता है आपकी सोच है कि मैं उसको कितना तोड़ रही हूं तू बोलने के बाद भी। अगर कोई शख्स मेरी किसी भी चीज़ को थोड़ा सा आगे पीछे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बल्कि बड़े मज़े की बताऊँ, भाई के तो कमेंट्स नहीं हैं, मैं अपने खुद बताती हूँ, शायद आपको मिले नहीं, मैं आपके खुद बताती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, मैं उसी तरह अरेंज करती हूँ। लेट सपोज मैं चैनल से उठ के गई, मेरा बड़ा अच्छा सा मेकअप हुआ है जो आप लोग करते हैं, आपकी मेहरबानी, मुझे मेकअप भी करना नहीं आता, तो मैं अगर जाऊँगी शेल्टर तो मैं अपनी वीडियो बना लूँगी। अच्छा, मैं वीडियो बना लूँगी और वीडियो बना के जब मैं उसको पोस्ट करूँगी तो कभी कभी होता है इतनी दुखी बात बता रही हैं और खुद इतनी खूबसूरत लग रही है, कोई किसी और चीज़ पे कोई कमेंट नहीं, कर बाकी देता ये है। बात बिल्कुल आपका पॉइंट बड़ा मतलब बिल्कुल वैलिड है, ऐसा होता है कि आप जो बात कर रहे हो आपके एक्सप्रेशन या आपका गेटअप अगर उसके मुताबिक इतना रखता हो तो कोई आपकी बात को सरफे नजर कर देगा भाई। लेकिन आज मैं आपके इस पे बैठ के बात कर रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सादे मुंह के साथ हूँ तो समझ लीजिए मैं घर से उठ कर आई हूँ, और मैं बड़े अच्छे गेटअप में हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि मैं किसी चैनल से आई हूँ। आज आप ईद पे तैयार हुई हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं, और पता चल रहा है कि भाई आज बालिया साहिबा ने वक्त निकाला। अच्छा, जनवरी की सर्दियों में जनाब आप सवात के पहाड़ों पर पहुंची हुई थी, और ये पिक्चर आप देखिए नाज़रीन, ये सीनरी नुमा ये तस्वीर बता रही है कि आप आर्ट के बहुत करीब हैं, क्या ये बात वाकई में ठीक है? और कोई इस तस्वीर में कमेंट नहीं आया कि भाई इतनी सर्दियों में आप कहां से कहां से चीजें निकाली हैं? वो वक्त था कि मैं दीवानी हो गई थी, ये वो वक्त था कि सवात को देख के मैं दीवानी हो गई।
मैं और सारिम साहब, हम लोग अब बच्चे सब पीछे बैठे, हम आ रहे हैं, अचानक मालम जब्बा पे बारिश शुरू हो गई। वो बारिश का होना, वो बूंदों का पड़ना और वो जो खुशबू वहाँ की मिट्टी से आने लगी, मैं तो पता नहीं कितनी छोटी सी बच्ची बन गई। मैंने कहा मुझे तो खिड़की से भी बाहर निकलना है, और मैं भूल गई कि मैं एक अच्छी बड़ी खातून। मैं निकली, फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे यहाँ बात भी करनी है। फिर खैर सारिम साहब ने गाड़ी को रोका, मैं उतरी और मैंने बात की, मैंने कहा जन्नत देखनी है तो फिर सवाल। जबरदस्त जी जनाब, तो बातें बड़ी मजे मजे की हो रही हैं। जिन पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प पोस्ट मैंने पढ़ी, और वैसे तो वो पोस्ट इस तरह की है कि उसमें समटाइम फड्डा भी हो जाता है और वो मर्द हजरात को सख्त नापसंद होती है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, जो आलिया साहिबा ने यह लिखा कि हर मर्द में एक औरत छुपी है। यहाँ लिखा तो एक औरत है, पर अक्सर हम सुनते हैं कि औरत छुपी है, तो आलिया साहब ये क्या था, क्या हुआ, क्या था ऐसा? देखिए ये पूरी बात यूँ है कि हर मर्द में एक औरत छुपी है और हर औरत में एक मर्द छुपा है। तो फिर आपको पूरा लिखना चाहिए था। नहीं, मैंने पूरा लिखा होगा, आपको पता है ना मुझे एडिटिंग नहीं आती, किसी ने उसको एडिट करके ये कर दिया होगा। अच्छा, देखिए ये मेरी स्टेटमेंट पूरी ये है। अच्छा, क्योंकि मेरा, मैं खुद अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं उससे बात करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी स्टेटमेंट को ऑन करूँ तो मेरी है, और अगर मैं उसको ऑन नहीं करूँ तो मेरी नहीं है। क्योंकि बातों को आप आधा करते हैं तो कुछ का कुछ बन जाता है। और इसके पीछे जो मेरे जहन में एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुकम्मल इंसान बनाया है ना, तो औरत की एक खासियत है कि उसके पास एक नरम दिल है, तो क्या मर्द के पास वो नरम गोशा नहीं होता? क्या अगर बीवी खुदा ना खास्ता इंतकाल कर जाए तो क्या शौहर बच्चों को नहीं पालता? क्या वो ममता वाली फीलिंग उसमें नहीं होती? क्या वो जानवरों को नहीं पालता? क्या वो परिंदों को नहीं पालता? तो उसके अंदर भी वो ममता और रहमदिली अल्लाह ने डाली है, लेकिन औरत के अंदर कसरत से है। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता मियाँ का इंतकाल हो जाए तो क्या वो अपने बच्चों को नहीं संभालती? क्या मर्दानावार बाहर नहीं निकलती? एक औरत अगर मर्द को सख्त निगाह से देख ले तो मर्द की क्या मजाल की उसकी तरफ बढ़े? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक इसी तरह वो करेज, वो जो एक मर्द का करेज है, वो औरत के अंदर है, और औरत की ममता या औरत की रहमदिली मर्द के अंदर है। अल्लाह ताला ने दोनों को ये करके मुकम्मल बनाया है। एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है ना, जाहिर है तभी ये दोनों। लेकिन अच्छी, अच्छा वो एक आपने निकाला कि ये वायरल होने वाली चीज है, तो बस जब मैं कहूँ ये मेरी स्टेटमेंट है तो मेरी है, वरना ये एडिटिंग और उन सब बस ये जनाब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हो जाती है इस तरह की चीज़ें भी कि किसी ने कहा कुछ और उसको लगा दिया कुछ। अच्छा सईदा, वैसे कहाँ से लिए, मेरी नज़र से नहीं गुजरा ये बस हमने निकाल लिया। अच्छा मैं चाहूँगी सईदा आप बताइएगा, माशाल्लाह आप LLB पढ़ रही हैं और आगे आपने वकालत की तरफ एज अ प्रोफेशन आपने इसको ज्वाइन करना है, तो मम्मा माशाल्लाह इतनी परफेक्शनिस्ट हैं, तो फिर किस तरह से डांट कितनी पड़ती है घर में, क्या माहौल होता है, पढ़ाई में कितना मतलब एक होता है ना कि भाई पढ़ो प्रॉपर टाइम दो, कैसा चल रहा है? अच्छा, तो जैसे अम्मा ने बताया ना कि वो उनके अंदर एक सख्ती है, तो वो हमारे साथ भी टीचर होती हैं। तो जैसे हमें याद है हम जब छोटे होते थे तो अम्मा जो है ना हमें बिठा देती कि पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ते थे ना तो बहुत डांट पड़ती थी, तो वी यूज़ टू वेट कि बाबा कब आएंगे, और बस दरवाजे पे देखते थे कि बाबा आएंगे तो हमें ये बोलेंगे जान छूटे जान, ऐसे ही होता था, लेकिन किताबें बंद कर देते थे वाते ही। लेकिन अब ये होता है कि ऑब्वियसली अब थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े मैच्योर हो गए हैं, तो पता है कि आपको ये प्रोफेशन लेना है, तो फिर अब इतनी डांट नहीं पड़ती, फिर भी अम्मा से पढ़ जाती है, बाबा से नहीं पढ़ती। तो मुझे लग रहा है कि ये बाबा की आप ज़्यादा चाहती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा पसंद है आपको मम्मा को, ज़रा आप कहती हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा प्यार बाबा से है? नहीं, मुझे पसंद तो दोनों हैं ऑब्वियसली, लेकिन बात यह है कि बाबा से थोड़ी एक अटैचमेंट है, मुझे लगता है कि ये सारी लड़कियाँ इस चीज़ को बोलेंगी कि एक फादर से ना आपकी एक डिफरेंट अटैचमेंट होती है, लाइक हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन हो जाता है, मदर से आपको एक होता है कनेक्शन लेकिन फादर से थोड़ा सा कम। बाकी ऐसा भाई खुल के कह दे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये अब्बा की लाडली, अब्बा इसके लाडले, इन लोगों के अंदर ये एक जान है। सारिम साहब अगर मेरी कोई बात ना सुन रहे हो तो मुझे पता है अगर सैयदा ने कह दी है तो वो काम ज़रूर होगा, तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब मामा ने कह दिया खुल के बोल दो, तो आप बोल दो कि आप चारों बहन भाइयों में मामा ज़्यादा प्यार किससे करती हैं? ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे मुझसे जो बड़ा भाई है उससे करती है। ये देख रहे हैं यहाँ ये शिकायत ऐसे ही नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ उसने नोटिस किया है। देखो वो ना मेरे बगैर खाना नहीं खा रहा होता, मैं ना जाऊँ घर में तो सबसे पहले फ़ोन उसका आता है, आप कहाँ हैं क्या। अच्छा मज़े की बात ये कि मैं अगर किसी जगह खड़ी हूँ ना तो फ़ोन आ जाएगा, अच्छा आप यहाँ पर हैं। वो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि जो आपको हर वक्त देख रहा होता है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सैयदा का फ़ोन अगर हफ्ते में एक दफ़ा आएगा कि आप कहाँ हैं, तो उसका हफ्ते में 6 दिन 7 दिन आएगा, तो एक अट्रैक्शन तो
होती है, लेकिन यकीन जानो कि मेरी, मैं कहीं पे हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, बाहर हूँ, मेरे जहन में सिर्फ सैयदा समाई रहती है कि मैं इसके लिए क्या लेकर आऊँ, सैयदा भी क्या कर रही होगी। मुझे लड़कों की इतनी टेंशन नहीं होती, बड़े मुझे पता है उन्हें कुछ भी चाहिए होगा, वो घर से निकल सकते हैं। सैयदा पर मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, मैं तो ऑन एयर कहती हूँ लगाई हैं कि बेटे तुम्हारे बाहर निकलने का टाइम है, तुम अकेले नहीं जा सकती गाड़ी में, तुमने भाई को लेकर जाना है, भाई को साथ होने, मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ज़रूरी भी हैं, ये ज़रूरी भी हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा तोहफे सैयदा के, सबसे ज्यादा टेक केयर सैयदा की, सबसे ज्यादा नखरे सैयदा के, और मैं उठाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं अम्मा की इस बात को एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अम्मा इस रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं क्योंकि बाबा वो एक पुश देते हैं, तो अम्मा रिस्ट्रिक्शन लगा के ना उसको बैलेंस आउट कर देती हैं, तो उसकी वजह से कुछ भी ऐसा नहीं होता जो एक लिमिट से बाहर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। और यही होता है जो कि पेरेंट्स का किरदार होता है, तभी बच्चे सही ट्रैक पे रहते भी हैं, पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। आलिया साहब, यूनू आपको पता है कि एक समाजी रहनुमा भी है, तो उनको अपने शेल्टर होम भी जाना है, जाहिर है वहाँ पर भी टाइम देना है, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनको ज़्यादा रोकूँ ना, वरना महफिल तो इतनी प्यारी जमी हुई है कि दिल चाह रहा है कि बातें होती जाएँ, क्योंकि दिल से हो रही है ना ये बातें, लेकिन मजबूरी है मेरी भी। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी आलिया साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सैयदा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब एक छोटा सा ब्रेक लेना, आपने कहीं नहीं जाना, आलिया साहब ज़रूर जा रही हैं, आप हमारे साथ ही, क्योंकि डॉक्टर फरहान हमारे साथ हैं, और आपको मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, ईद मुबारक, और होप सो आप इस शो को एंजॉय कर रहे होंगे। बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे मजीद ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अब तो माशाल्लाह टैरो का डीडर के साथ साथ मैच मेकर भी हैं, तो जिसकी शादी नहीं हुई ना, उनसा का नंबर मैं दूंगी उसको, रब्ता कीजिए। और आपके लिए हुसैन, नौजवान हैंडसम सा लड़का, मेरा ख्याल है कि इनके पास लिस्ट होगी। उनसा वेलकम टू आवर शो, ठीक कहा है मैंने? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सब लोगों को। कैसा लग रहा है वैसे आज हमारा सेट, कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। सबसे साथ हमारे एक हसीन सी आवाज, खूबसूरत सी हसीना, जिनका नाम है मीशा अली, मौजूद है। और मीशा क्या खूब गाती है, वेलकम टू आवर शो, ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, सेम टू यू, ईद मुबारक टू एवरीवन। अच्छा जी, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बातें डॉक्टर साहब से भी साथ साथ करनी है, तो उनसा से भी बातें करेंगे, मीशा से हम कुछ ना कुछ सुनेंगे भी। डॉक्टर साहब यहाँ पर मुझे आप ये बताएगा कि जब ईद का ख़ास मौका है, ज़ाहिर अभी तो आप यहाँ आ गए हैं, तो घर में गेट टुगेदर होती है, डिनर होता है, लंच होता है, किस वक्त सब इकट्ठे होते हैं, क्या माहौल होता है बताइए? हाँ नहीं, एक फर्स्ट डे तो हमारा फैमिली के साथ होता है, नेक्स्ट डे डिनर पे, नेक्स्ट डे लंच होता है फ्रेंड्स के साथ। अच्छा। और मैं समझता हूँ फ्रेंड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं समझता हूँ फैमिली तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, यू नो, यू बाय चॉइस, सो आई थिंक दे हैव अ स्पेशल वैल्यू टू मी। और जब वो आते हैं लेकिन तो सबसे मुश्किल टाइम देना होता है, वो आप दे लेते हैं टाइम? बस जी कोशिश करते हैं, एंड आई थिंक आई नीड टू गिव देम मोर टाइम, और एक टाइम मी टाइम भी चाहिए, आई थिंक वो थोड़ा सा मिस हो रहा है आजकल। अच्छा मुझे बताएगा आपको कभी इससे परेशानी तो नहीं हुई ना, वो मर्द हजरा जिनकी ना फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होना, उनकी बीवियाँ अक्सर नाराज रहती हैं? नहीं एक्चुअली हम लोगों के अपना, हम लोगों का दोनों का, हम अपनी कोशिश करते हैं हमारा अपना भी टाइम हो, हमारी अपनी फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स का मेरे अपने टाइम होता है, इनका अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, फिर हम अपने फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली, तो एक्चुअली मुझे लगता है वो सारे स्लॉट्स आपको चाहिए होते हैं। और मुझे लगता है वो जो लेडीज़ भी हैं ना, तो मैं उनको बहुत इनक्रेज करूँगी कि वो अपना भी एक फ्रेंड सर्कल बनाएं, क्योंकि जो है ना ये सारे स्लॉट अपनी फैमिली के साथ भी क्लोज नेट रखें, बिकॉज वी ऑल नीड दैट स्लॉट, वी नीड द स्पाउस, वी नीड बहुत अच्छी बात की है। आपको पता है कि जब हम अपने डेली रूटीन लाइफ में ना एक ही सर्कल में चलते चलते जब थक जाते हैं ना, तो हमारा जब वो इस तरह का सर्कल होता है ना, तो उन दोस्तों के पास बैठ के हम दिल की बात करते हैं ना, तो बड़ा वो एक रिफ्रेशिंग सा एहसास होता है। समटाइम्स यू डोंट इवन वांट टू डू दैट, यू जस्ट वांट टू हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफी विद देम, दैट्स ऑल यू वांट। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, अब जहाँ कॉफी की बात आ गई है, तो आप ख़वातीन में से हैं जो सिर्फ कॉफ़ी और चाय बनाना जानती हैं, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं? बनाना जानती हूँ। बनाना जानती हैं। तो डॉक्टर साहब फरमाइश नहीं करते आप? नादिया से तो मैं करता हूँ, और नादिया नोज के मुझे बहुत कौन सी चीज़ें पसंद हैं, और नादिया का माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब शी कुक्स वेरी वेल, बट वो ये है कि जहरे अब शी इज़ फॉर्चुनेट टू बी मैरिड टू मी, तो शी डजंट नीड टू वर्क, और खाना खुद पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये खुश नसीब खाती है ना, वो कहते हैं ना कि
वो मर्द हजरात जो खुद किंग्स की तरह रहते हैं, बीवी को क्वींस की तरह रखा होता है ना, ये वो वाला कपल है जनाब कि काम नहीं करने देते, इनको जरूरत नहीं है काम करने की। तो डॉक्टर साहब ने कभी तो फरमाइश करते होंगे ना कि आज ये बना दो? फरमाइश तो मैं रेगुलर करता हूँ। अच्छा, और एंड मैं तो फूडी हूँ, मेरे साइज से भी आपको लग रहा होगा कि खाने पीने का शौकीन है, सो आई एम अ फूडी। एंड क्या पसंद है आपको? ऐसे मुझे तो मटन कढ़ाई बहुत पसंद है, देसी खाने। हलीम, हाँ देसी खाना, आई लव देसी खाना। अब जरा जयपुर, आप ही डॉक्टर हजरात होते हैं जो मना कर रहे होते हैं कि मत खाओ इतनी चिकनाई। देखिए डॉक्टरों का असूल ये है कि हम हमेशा एडवाइस अच्छी देते हैं। अच्छा, अमल करना ना वो आपकी मर्जी है। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब आपसे। पेट तो है ना देसी फूड से ही भरता है, आप जितना भी कुछ खा ले, लेकिन जो है ना देसी प्लीज बन से भी खा लेंगे, बहुत हो गया। अच्छा मुझे वैसे लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, मुझे ये सुशी वूसी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या खाने हैं भाई, कौन कौन खाता है ये, बस सैंडविचेस और क्लब सैंडविचेस और ये बस खाने वही है जो हमारे घरों में बनते हैं। वो न्यूट्रिशियस भी ज्यादा है जो हमारे खाने हैं, वो न्यूट्रिशियस हैं, वो हेल्दी हैं। तो डॉक्टर साहब बच्चे भी फरमाइश करते हैं? ऑफ कोर्स। तो फिर आप पूरा करती हैं, मतलब आई मीन टू से कि जो आप लोगों का छुट्टी का दिन होता है, वीकेंड होता है, वो फिर कैसा गुजरता है, घर में या फिर बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं? कोशिश ही करते हैं क्योंकि अब सब बच्चों की भी सब अपने पढ़ाई का जमाना है, दे टू आर इन प्रोफेशनल कॉलेजेस माशाल्लाह नाउ, तो जो है उसमें कोशिश ये होती है कि जितना हमारे थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट, जैसे बहुत जब बिजी सीजन भी होता है तो हमारी कोशिश होती है अच्छा वीक में एक दिन तो ऐसा हो कि कुछ है भी तो सब कुछ छोड़ के एक हम अपना बाहर जाएं, बैठें, खाएं या कोई भी अच्छी चीज़ हम अपना प्लान करें, मुझे लगता है वो फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा ये प्रिंसिपल्स घर में होने चाहिए? yes, और ये आई थिंक सो ये यहाँ तो बीवी इनको एस्टैब्लिश कराती है या हस्बैंड? नहीं नहीं, इवन मैं बताऊँ देयर आर थिंग्स दैट मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूँगी, आजकल ना आजकल नहीं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम थोड़ा सा ये ट्रेंड हो गया है, अच्छा बच्चों को ये नहीं खाना, इसको वो नहीं खाना, अच्छा ये मंगवा लें वो मंगवा लें, नाम नहीं लूँगी मैं चीज़ों का, लेकिन बात ये है कि फ़ास्ट फूड वगैरह का मसला ही होता है। मुझे लगता है कि बच्चों को कम से कम घर में हेल्दी फूड, क्योंकि बाहर आप जंक खा रहे होते हैं और बच्चे ज़्यादा खा रहे होते हैं, कैंटीन एंड अदरवाइज भी। हमारे घर का रूल हमेशा ये रहा है रात को बताना है किसने क्या खाना है, अगर नहीं बताया तो फिर जो बने वो खाने बताऊँ। उसकी वजह से हमारे बच्चों को ना कहीं भी मसला नहीं होता है, वरना आप देखिए आप कुछ लोग होते हैं जाते हैं अच्छा हम चिकन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, तो होस्ट के लिए बड़े एम्बैरेसिंग हो जाते हैं। दे शुड हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि भाई आप कहीं जा रहे हैं तो आप हर चीज़ लें, ठीक है आप थोड़ी ले लें कर लें, लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी अपने बड़ी बड़ी प्यारी बात आपने कही है और ये बड़ा अच्छा आपने एक तरीका बताया है कि आप रात में पूछ लें कि आप क्या खाएंगे, और वैसे भी कुछ दिन जब बच्चे बताते हैं फिर माओ को वैसे ही पता चल जाता है कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है, ये बनना चाहिए। बड़ी आपने प्यारी बात की। अच्छा जी उनसा, अभी ईद पे तो आप माशाल्लाह से हमारे पास आ गई हैं, क्या मसरूफियात होती हैं ईद पे, क्या दिन कैसे गुजरता है आपका? दिन कैसे गुजरता है, बस सुबह उठते हैं, पहले तो वो एक होता है कि बच्चों को तैयार करना है, मतलब वो अभी आप तैयार करके आ चुकी हैं, इसके बाद बताएं। उसके बाद क्या होता है, फैमिली ईद के दिन जो होते हैं वो फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं, और ससुराल चले गए, अम्मी के घर चले गए, एक जगह जो है लंच कर लिया, एक जगह डिनर कर लिया, तो दिन जो ऐसे ही फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अम्मी के साथ गुजर जाता है। ईदी देते वक्त कोई ईदी लेते भी हैं और ईदी देते भी हैं, और फड्डे होते हैं बच्चों के कि मुझे कम मिल रही है, मुझे ज्यादा चाहिए, या फिर अम्मी के रहने दे, मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। नहीं ज्यादा कम वाला हिसाब ही नहीं है, एक तो मेरे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा वो है कि पेशेंस, वो जो दिया नहीं भी दिया तो चुप हो गए, वो कोई बच्चे। अच्छा मीशा मौजूद है, मीशा पहले तो मुझे बताएगा आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजरती है मुझे, आई लव दिस इवेंट। मुझे वैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं जो हमारे यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे कंट्री में, लेकिन ईद इज़ माय फेवरेट वन, क्योंकि ईद बहुत ज़्यादा हम लोग जो है लोगों की बुराई भुलाकर और जो लड़ाई भुलाकर आपस में मिलते हैं, कज़न्स मिलते हैं, वो लोग जो बहुत बिजी भी रहते हैं वो भी अब्रॉड से, कनाडा से, अमेरिका से कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और हम लोगों को मिस कर रहे होते हैं, तो मतलब ईद इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा बात ये है उनसा कि फरहान साहब भी मैरिड हैं, नादिया साहब ऑब्वियसली उनकी वाइफ है, मैं भी मैरिड हूँ, यहाँ पर सिंगल बंदा एक ही है, बंदी मतलब ना वो ये सामने बैठी हुई है, और आपने अभी अभी जनाब शुरू किया है सिलसिला मैच मेकिंग का ना, जी जी, तो कुछ बताएं अमीशा कुछ अभी हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो ये एक हॉट प्रॉब्लम है, ये अहम मसला है, वो ये है शादी।
और मेरे पास जो आपको पता है मैं टैरो कार्ड्स भी करती हूँ, और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो शादी से रिलेटेड होती हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही काम जो है शुरू करूँ। नेक काम भी है अगर शादी जो है दो लोगों के दरमियान करवा दी जाए, लेकिन जब काम उल्टा पड़ जाता है ना तो जो करवाने वाला होता है ना देखिए अब ये तो आपकी लक है, और वैसे भी अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं या लव मैरिज करते हैं तो भी रिस्क ही है ना, तो हमने तो हम स्टार्ट कर शादी से गैंबलिंग ना, अंजाम एक ही है, रिस्क है। देखें आप अगर अपनी चॉइस से भी करें या अपने पेरेंट्स की चॉइस से करें या आप किसी मैट्रिमोनियल सर्विस को वेल करें, फिर भी रिस्क तो है ही है। तो लेकिन हमारी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव है, हम चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ गुजारें दो लोग जो हैं। तो मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है shaadibiyah.com। हाँ जी, तो आप दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए? जी बिल्कुल कर लिए, हरीश को जो है ना प्रेडिक्शन है। अच्छा मुझे ये बताइएगा मीशा, आपको किस तरह का लड़का चाहिए? क्योंकि ये जो आपको मैचमेकिंग ठीक है .com तो चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको पूरी दुनिया के लड़के देख रहे हैं, तो मुझे बताओ आपको कैसा लड़का चाहिए? ओके ये वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कि एक इमेज बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक गाय शुड बी ऑनेस्ट, अगर वो अपने आप से ऑनेस्ट है तो वो फिर आपसे भी ऑनेस्ट रहेगा। ऑनेस्टी कम फर्स्ट, देन ऑफ कोर्स एजुकेशन, देन फैमिली मैटर्स, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी में भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियां तो कहती हैं कि लड़का हसीन भी हो, उसका बैंक बैलेंस भी हैवी हो, लंबी सी गाड़ी हो, घर अपना हो, और उसके साथ कोई ना हो ना, मतलब और आगे पीछे कोई ना हो, और उसकी नेशनैलिटी जो है ना यूएस या कनाडा की हो। अच्छा ये सब कुछ तो मेरे पास भी है, सो आई एम नॉट सो मच फैसिनेटिंग अबाउट ह्यूज बिग कार्स, बट स्टिल establishment settle hona chahiye. Sometimes you have everything like big cars but you don't have a good character, so is that a okay that you are living with a materialistic life? ये भी नहीं सही है। काश ये सब बातें ना शादी से पहले लड़कियां वाकई में समझ लें। नहीं लड़कियां समझ रही। True. ये जब experience होता है तो फिर उनको समझ आती है, पहले नहीं समझती, उन्हें complete package चाहिए होता है। आजकल समझ आ गया है, आजकल लोगों को ये है, a guy should be respectful, honest and then stable of course. बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है, बहुत प्यारी बात की है। जो सिंगल हैं उनके अलावा जो डिवोर्स्ड हैं या विडो हैं वो लोग भी ये जो 40s में हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर जो है वो बिल्कुल या बहुत रिच होना चाहिए और जो है सेटल होना चाहिए। अगर कोई मीडियोकर भी है तो आप खुद भी, यानी कि दो लोग भी तो मिलकर घर चला सकते हैं। आजकल तो इतनी अवेयरनेस और लड़कियां माशाल्लाह से, देखिए डॉक्टर साहब आप मेरी इस बात को शायद एग्री करें या ना करें, मैंने ये देखा है कि आजकल जब लड़कियों के लिए रिश्ते जब आते हैं ना तो पहला सवाल ये होता है कि आपकी बच्ची जॉब करती है, और अगर वो जॉब करती है तो वो रिश्ता एक्सेप्टेबल होगा। उनके मुआशी हालात इस तरह के हैं कि लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का एक सपोर्टिंग हैंड बने उसकी बीवी ना, तो लड़की का जॉब करना बहुत ज़रूरी है, ये सोच ठीक है? आई थिंक ये रिक्वायरमेंट्स जब ज़्यादा रखते हैं तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस होते हैं, बट ऑल सेड एंड डन अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें कि वो एक लड़की को इनक्रेज भी कर रहे हैं कि वो जॉब कर सके, क्योंकि देखिए हमारे ना इतनी बच्चियां इतना पढ़ लिख देती हैं, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में 70% वीमेन जो डॉक्टर्स डॉक्टर नहीं हैं, फिर वो घर पे बैठी होती हैं, उनके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे होते। सो आई थिंक डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होना बुरी बात नहीं, लेकिन आई वुड सजेस्ट के रूल्स नहीं ज़्यादा बनाने चाहिए, और अच्छा है कि शुरू में बता दें जिसको नहीं करनी वो ना करे। क्वालिफाइड हो गई हैं, फिर लड़कों को भी थोड़ा सा होना चाहिए, उनके लेवल तक पहुंचना चाहिए। कंपैटिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक जब टेबल पे चीज़ें रखनी चाहिए, जिस तरह आप टैरेट कार्ड रखती हैं, तो चीज़ें टेबल पे रखें और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करें। मतलब झूठ किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, जो बात है वो आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ की है, बिल्कुल आप कहें तो जाहिर है, फिर मतलब अगर आपकी नीयत साफ है ना, अल्लाह ताला भी उस काम को कामयाब बनाता है, और आप दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बन जाती है, तो बड़ी वो रिश्ते वाली बातें हो रही है। अच्छा उनसा मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ज़रा मुझे आप भी बताएगा कि फिर ये सिलसिला, ये जो माशाल्लाह से आपने शुरू किया, ये तो देखते हैं अब आपका कैसे चलता है, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है। तो अभी क्या हालातों वाकयात आप पाकिस्तान के बनते देख रही हैं? आज ईद के दिन भी मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ, आप निकालिए कार्ड्स तो मैं जो है ना लेकर आती हूँ। बिल्कुल आप ये कार्ड्स निकालें, तब तक मैं चाहूँगी कि मीशा हमें कोई प्यारा सा गाना जो इनके दिल के करीब है ना,
इस खास मौके पर, ईद के त्यौहार पर हमें सुना दें। अच्छा उन सब ऐसे मैं चाह रही हूँ कि कुछ पॉजिटिव बातें ही होनी चाहिए, तो जो पॉजिटिविटी आपने आगे आने वाले दिनों में देखी, क्योंकि ईद का मौका है तो कुछ अच्छा ही हमें बताना चाहिए। अच्छा। क्या देखा है? तो जो कार्ड्स में है वो बताऊँ? नहीं कार्ड्स बता है। अच्छा तो अच्छा ही आया है वैसे, और बस एक कार्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, वो भी मैं बता ही दूंगी। फर्स्ट जो कार्ड मैंने निकाला है कि जो अभी नई गवर्नमेंट आई है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में कितना काम होगा, आगे क्या हालात रहेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर का कार्ड है, एक्टिव लग रही है, एनर्जेटिक लग रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्टिवली ये गवर्नमेंट काम करेगी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनिशिएट करेगी, न्यू डेवलपमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, और स्टार जो है होप्स एंड फेथ का कार्ड है कि होपफुल है गवर्नमेंट भी, और पाकिस्तान की आवाम को होप्स दे रही है, उम्मीदें दे रही है, नई उम्मीदें दे रही है कि अल्लाह पे भरोसा रखें और हम पे भी भरोसा रखें, और पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ ये एक चले विल तो है ना। हाँ, विल तो है ना कि वो आपके कार्ड में, आवाम की विशेज़ हम पूरी करेंगे, आप भरोसा रखें, ठीक है, अल्लाह पे भी भरोसा रखें। ये जो कार्ड आपके पास है, ये जो आपने मैजिकल एक ये पोटली रखी हुई अपने साथ, ये जो आपके हस्बैंड है वो कितना ट्रस्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत सैरिश, इतना ज़्यादा कि वो अपने सारे जो मामलात ऑफिशियल मसले हों, चाहे पर्सनल मसले हों, चाहे दोस्तों से रिलेटेड मसले हों, वो काम फोन पे, में से दोनों खतरनाक पकड़े हुए, मैच मेकिंग भी, और कह रही है हस्बैंड सब पूछ के करते, किस दिन ये भी ना पूछ रहे आपसे कि कुछ है मेरे लिए और कोई रिश्ता विश्ता नहीं। अरे रिश्ता आप ये आप कह रही है पूछ ना ले, वो सबसे पहले जब मैंने ये जब माइंड में ये चीज़ आई थी तो सब कह रहे, और जब बन मेरी लॉन्चिंग होगी तो सब पे कह रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल सबसे पहले रख लो, यानी कि मेरी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो। तो मुझे ये बताइएगा, और मेरे हस्बैंड क्या, मेरे जो ससुर हैं वो कह रहे हैं सबसे बेटा पहले मेरी प्रोफाइल अब देखें। मेरे जो ससुर है वो भी मतलब ये आप देख लेंगे घर के सारे मर्द हजरात जो है ना उन्होंने अपनी प्रोफाइलिंग के हवाले कर दिए। तो दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद मेरी एक बात याद रखिए, अभी रिसेंटली खबर आई थी बगैर इजाजत के पहली बीवी की दूसरी शादी करने पर 6 महीने की कैद भी हुई थी और जुर्माना भी हुआ था। तो लिहाजा ना जरा ढके छुपे अल्फाज में ना इजाजत भी ले रहे हैं, कह रहे हैं ईद में सारी पॉजिटिव बातें करनी है। डॉक्टर साहब ये पॉजिटिविटी है ना मेरी, मैं बता रही हूँ कि जरा बाज़ लो बेटा, वार्न कर रही हूँ पहले से, वार्न कर रही हूँ। तो जनाब ये बड़ा खूबसूरत सी महफिल है, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं और दिल चाह रहा है कि ये बातें होती रहें, लेकिन इस ख़ास ईद के मौके पे मैं अपने गजा के बहन भाइयों को ज़रूर याद रखूँगी। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे, वो भी हमारी तरह इसी तरह बैठ के अपनी खुशियों को इंजॉय कर सके। बड़ा मुश्किल रमज़ान उन्होंने गुजारा है, और दिल से उनके लिए दुआएँ निकलती रही हैं रमज़ान पूरे में। और अभी खैर हम इस मौके पर भी उनके लिए यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको गैबी मदद करे और उनकी मुश्किलात किसी तरीके से कम हो जाएं, हम सब की ये दुआ है। अच्छा अब मैं चाहूँगी कि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ईद के ख़ास मौके पर, क्योंकि अभी हमने दिन भर सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना है ईद को, तो ख़ास मैसेज जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आगे जाए, तो डॉक्टर साहब पहले आप दीजिए। मैं तो कहूँगा कि तो ईद की मुबारक हो सबको माशाल्लाह, और ये ईद से ना बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ाएं आपस में, दोस्तों में, फैमिली में, बर्दाश्त और मोहब्बतें बांटें, और पाकिस्तान के लिए दुआ भी करें। और अब टाइम ऐसा आ गया कि हम पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर अटेंशन दें, और इस पर बिलीव रखें कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी एंड और आगे बढ़ने की तरफ, इंशाल्लाह बेहतरीन। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी? आप मैं कहूँगी कि बाकी आई सेकंड फरहान के जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हमारी कंट्री। अगर आप कभी ग्लोबली भी आप लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो लोग जहाँ पे के सदका और ज़कात और जो डोनेशन हैं वो पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान से जारी होती हैं, एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, सारी हमारी पॉजिटिव चीज़ें। हमारे मीडिया को मैं कहूँगी कि एक रोल प्ले करना चाहिए कि आप पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं, इतना पॉजिटिव काम हो रहा है, आज हमने बहुत पॉजिटिविटी भी खेली है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और हमें एक्चुअली आगे ये सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री में इतना पोटेंशियल है, आप ये देखें
ये सबसे लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ एम्बुलेंसेज प्राइवेट आपके पास है, एसआईयूटी जैसे इदारा है जो कि वर्ल्ड क्लास सर्जरीज कर रहा है, इंडस है जिन्ना हॉस्पिटल में बिलियन डॉलर की मशीन है आपके पास जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रही है, मिलियन डॉलर का ट्रीटमेंट है जो फ्री ऑफ चार्ज कर रही है, बिल्कुल एक सेशन $35,000 का होता है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है ये प्रमोट करनी चाहिए। फिर आपके पास इतनी टूरिज्म के लिए स्कर्डू से लेकर आपके मालम जब्बा से लेकर इतने हाईएस्ट पोलो ग्राउंड्स हैं, मुझे दिखा रहा है ये दिखाना चाहिए। दुनिया में वो एक स्टैचू होता है उसे पूरी कंट्री बेच रहे होते हैं, आपके पाकिस्तान में दो तीन गोल्फ, सिर्फ कराची में दो तीन गोल्फ कोर्सेस हैं, बीचेस हैं। बहुत अच्छी बात आपने की है, पॉजिटिव इमेज दिखाएंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत भी होगी और लोग जाहिर है कि अप्रिशिएट भी करेंगे, एक परसेप्शन बनता है और वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, तभी आपके पासपोर्ट की इज्जत होती है जब आप कहीं बाहर जाते हैं। उनसा आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी, इतनी अच्छी बातें आप सब लोग कह रहे हैं कि मेरा जो मैसेज है तो बहुत ही छोटा सा होगा, बस मेरा यही है कि डिसअपॉइंट ना हो, हमारा मुल्क जो है बहुत खूबसूरत है। मेरे पास जो लोग आते हैं चाहे टैरो रीडिंग के लिए आएँ चाहे शादी के लिए आएँ, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ओवरसीज़ हमें जो है ना कोई मौके मिल सके, ज़रूर जाएँ बाहर, एजुकेशन लें, अपनी एक्सपीरियंसेस लें, लेकिन वापस अपने पाकिस्तान के लिए ज़रूर काम करें। दूसरा ये है कि ईद का मौका है, बहुत सबको ईद मुबारक, और खुशी के साथ जो है अपनी ईद जो है सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, और shadibia.com जरूर विजिट करें मेरी वेबसाइट। रिश्ते वाले तमाम हज़रात जो है ना वो इनसे राब्ता करें, शादी के जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर सकें। बस प्रोफाइल जाती रहेंगे ज़्यादा। मीशा मीशा आप भी प्रोफाइल दे दीजिए। हाँ, और मुझे बताइए आपका मैसेज क्या है फेसबुक की प्रोफाइल। जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। अच्छा, इस वक्त भी तीसरी वाले भी आ सकते हैं, तीसरी चौथी परमिशन लेकर। अच्छा, मैसेज मेरा ये होगा कि अपने जो सराउंडिंग है, हम लोग हर किसी को तो हेल्प नहीं कर सकते, हम बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई होगा जो हेल्प के लिए एक्सपेक्टेशंस लेके रख खड़ा होता है, तो सराउंडिंग देखें जो नियरेस्ट आपकी फैमिली में कौन से ऐसे लोग हैं, क्योंकि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो अगर आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई अच्छे वर्ड्स, काइंड वर्ड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करें, कोई अच्छे वर्ड्स किसी के लिए, किसी के जैसे मॉम नहीं है, डैड नहीं है, सिबलिंग्स बाहर हैं, कोई इस तरह के लोग हैं जो कि अकेले ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे हैं, जो भी आपको लगे कि वो आपसे कम हैं, उनके लिए काइंड वर्ड्स यूज़ करें, इस दफ़ा ये ट्राई करें, किस कोई भी एक अच्छा वर्ड आप किसी की भी लाइफ में। बहुत प्यारी आपने बात की, ये एक आपका एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है कि जिससे कि आप किसी को ये फील कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारा एहसास करने वाले तुम्हारे साथ मौजूद हैं, तो तुम बिल्कुल सदका जारिया। ये बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने ईद की खुशियों को चार चांद लगाए हैं। दिल तो चाह रहा है कि बातें होती रहें, लेकिन जाहिर है प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, हमें आपसे इजाज़त भी लेनी है, तो हमें अपनी खुशियों में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो एक बार हम सब मिल के कहते हैं सबको ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।